यस वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन तो विश यू आर वेरी वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि तो हर हर महादेव बिल्कुल जय हिंद और आज महाशिवरात्रि uh, है तो so, जिन लोगों ने भी फास्ट रखा है तो आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि जिन लोगों ने फास्ट नहीं रखा है देखिए ये सब दिन क्यों मनाते हैं हम लोग ताकि दिमाग को थोड़ा सा हम कंसंट्रेट कर पाए बॉडी को रिलैक्स कर पाए और दिमाग भी साफ होना चाहिए बॉडी भी साफ़ होना चाहिए बॉडी भी टॉक्सिक हो जाता है तुम तो लोग कचरा वचरा खाते कचरा नहीं मतलब मोमो चौमिन और ये सब जो खाते रहते हैं आप लोग तो बॉडी थोड़ा प्योरीफाई हो जाए और दिमाग में भी बहुत सारे आपकी बातें चलते रहती हैं दिमाग का भी प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं ताकि हम अपना पूरा कंसंट्रेशन अपना पूरा एनर्जी एक चीज़ पे लगा सके और अभी के लिए वो चीज़ क्या है तो अभी के लिए वो चीज़ है हमारा एग्ज़ामिनेशन राइट right? तो हम अपने एग्जामिनेशन पे अपना पूरा कंसंट्रेशन लगा सके और एग्ज़ामिनेशन पे कंसंट्रेशन लगाने के अलावा भी एक काम है कि पढ़ना पड़ता है तो पढ़ तो हमने लिया है आज हम क्या करने वाले हैं कि आज एक मैराथन होगा ये क्लास दो घंटे के लिए रहेगी यहाँ पे सिर्फ करंट अफेयर्स की बात नहीं होगी तो करंट अफेयर्स तो हम पढ़ेंगे म, मैंने कंसंट्रेशन किया है जुलाई से जनवरी तक के करंट अफेयर्स तो दो घंटे में हम ये जो छह महीने के करंट अफेयर्स हैं उन ज़्यादा ध्यान देंगे और उसके अलावा हम जीके स्टैटिक पोर्शन पर भी ध्यान देंगे ठीक है तो जो भी बच्चे जिनका एयरफोर्स से रिलेटेड जितना एग्जामिनेशन है जैसे कि एफ कैट सबसे इंपॉर्टेंट इसके अलावा जो आपका ए ए आई ए टी सी भी बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है तो तो ए आई ए टी सी जो कि ग्रेजुएशन और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए है बिल्कुल तो उनके लिए भी ये सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये दो घंटे की क्लास चलेगी और यहाँ पे जीके स्टैटिक भी रहेगा इसके अलावा एक और क्लास रहेगी तो आप लोगों में से जिसको भी मैक्सिमम क्वेश्चन बनाना है तो एक क्लास कल यानी कि संडे को भी रहेगी है ना बिल्कुल गगन जी आपका मैसेज शो हो रहा है तो एक क्लास आपकी संडे को भी रहेगी और ये संडे को जो क्लास रहेगी ये सुबह ग्यारह बजे से लेकर एक बजे तक रहेगी वो भी दो घंटे की मैराथन रहेगी वहाँ पे हम मिसलेनियस और जी के स्टार्टिक पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं तो मिसलेनियस यानी कि नहीं होता है कि कौन सा कब किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या कौन सा अवार्ड किस मिला है इस टाइप का करंट अफेयर्स नहीं जो मिसलेनियस पोर्शन होता है जो पुराना पोर्शन है राइट तो उससे आजकल बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो इन दोनों को हम लेकर चलेंगे फाइन तो आज मेरे पास मोर देन फाइव हंड्रेड क्वेश्चन हैं एंड वैन आई एम सेग इट आई मीन इट क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ स्लाइड्स अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे तो नंबर ऑफ स्लाइड्स है ना यहाँ पे नंबर ऑफ स्लाइड्स आपको दिख रहे होंगे देखिए तो नंबर ऑफ स्लाइड है वन ज़ीरो थ्री टू वन ज़ीरो थ्री टू यानी ये क्वेश्चन रहता है फाइन तो इसका हाफ आप लेके चलिए यानी 516 हंड्रेड एंड सिक्सटीन क्वेश्चन है मेरे पास तो हम बिल्कुल इस पर फोकस करने वाले हैं फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटीन क्वेश्चन पे और लेट्स बिगिन फाइन चलिए तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स का भी ध्यान दीजिएगा महाशिवरात्रि सभी को है ना ओके okay. हाँ कल 11 ग्यारह बजे से क्लास है मैराथन की ठीक है चलिए तो अब बिल्कुल सी आर पी एफ के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम मैराथन ही कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और मुझे देखना है कि आज बिल्कुल क्वेश्चन आंसर है कि सबसे पहले आंसर कौन देगा सबसे पहले आंसर कौन देगा सबसे पहला आंसर मुझे रजत का मिला है आंसर है इंडिया क्वेश्चन है कि महिला एफ आई एच यानी कि फुटबॉल मतलब फेडरेशन ऑफ हॉकी इंटरनेशनल हॉकी का खिताब किसने जीता है एफ आई एच महिला खिताब नेशन कप का किस टीम ने जीता है तो ये टीम है इंडिया इंडिया ने इसको जीता है फाइन पिछले बार इंडिया इस पे थर्ड पोजीशन पे थे इस बार टॉप पे है कैप्टन का नाम याद रखेगा सविता पुनिया है और ये जो है खेला गया है मैच स्पेन में फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर प्लीज आप लोग आंसर लिखिएगा ए बी सी डी लिखिएगा तो मैं मेरे को पता कैसे चलेगा कि इस बार का लिखे हो या पिछले बार का तो क्वेश्चन ये है कि पब्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक पेपर दुनिया भर में बहुत सारे साइंटिफिक पेपर पब्लिश होते हैं आपने बताना है कि भारत का रैंक क्या है साइंटिफिक पेपर के पब्लिकेशन में यस yes. तो साइंटिफिक पेपर के पब्लिकेशन में भारत का रैंक क्या है ये आप बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से गाइज तो भारत का रैंक क्या है भारत का रैंक मुझे आंसर मिला है दिलीप गुप्ता जी का सबसे पहले और सबसे सही तो भारत का रैंक है थर्ड राइट right? भारत का रैंक साइंटिफिक पेपर के पब्लिकेशन में अभी थर्ड पोजीशन पे है भारत इसको आप याद रखिएगा और यहाँ पे यस yes. किस द्वारा किस मंत्रालय द्वारा तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं वो इस पेपर को पब्लिश कर रहे हैं ठीक है इसरो ने पिछले पांच साल में विदेशी लॉन्चिंग की है इसरो ने पांच साल में कितनी कमाई की है विदेशी लॉन्चिंग से और बिल्कुल मेरा ध्यान आप लोगों के कमेंट सेक्शन पे है सबसे पहले आंसर कौन देगा ठीक <coughs> है थर्ड रैंक है बहुत सारे बच्चे फिफ्थ कह रहे थे ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री है आपके सामने और बबीता का आंसर मुझे सबसे पहले आया है ठीक है बबीता तो बबीता ने कहा है कि 1100 करोड़ रुपए इसरो ने दिए हैं इसरो ने कमाए हैं पिछले पांच साल में उन विमानों से जो दूसरे देश के थे दूसरे देश के रॉकेट या सैटेलाइट लॉन्चिंग था और इसरो ने लॉन्च किया है तो पांच साल में ग्यारह करोड़ रुपए ठीक है प्रधानमंत्री मोदी जी ने गृह प्रवेश कार्यक्रम कहाँ शुरू किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने गृह प्रवेश कार्यक्रम कहाँ पे शुरू किया है यह आपका अगला सवाल है और इसका जवाब मुझे मिलेगा हाँ आ, कंचन जी यहां तो, है समर्थ गुप्ता जी से तो इन्होंने आंसर दिया है कि यह होगा अगरतला में और प्रधानमंत्री मोदी जी ने गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया है ये दोनों के लिए है ये त्रिपुरा जिसका कैपिटल अगरतला है और मेघालय दोनों के लिए ठीक है मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है मिसेज वर्ल्ड क्वेश्चन आ सकते हैं यार करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं आजकल पैटर्न बहुत चेंज हो रहा है आ, किसी किसी शिफ्ट में आ, में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन किसी किसी शिफ्ट में ज्यादा आ जाते हैं <coughs> श्रीस्तों के मैं, मैंने आंसर दिया पहले ठीक है मैं बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन जो आंसर देगा वो एक नागिन है हमारे साथ श्रेय सबसे पहले आंसर आया है ठीक है सरगम कौशल सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड वर्ल्ड ठीक है, वर्ल्ड का खिताब जीत लिया है इसको आप याद रखिएगा और हां भारत ने यह ट्रॉफी इक्कीस साल बाद जीती है ओके नेक्स्ट है one week, one lab, इस थीम पे, किसने अपना कैंपेन स्टार्ट किया है हा हो जाएंगे बिल्कुल हो जाएंगे ठीक है वन वीक वन लैब में किसने अपना कैंपेन स्टार्ट किया है पाँच सौ क्वेश्चन तो आज मैं करवा के जाऊंगी अभी स्पीड बढ़ेगा ना अभी तो आप लोग फर्स्ट गियर में गाड़ी चल रही है तो आप लोग आराम से एक नागिन है वो बार बार कह रहा है मुझे आज दूध पिला दीजिएगा ठीक है सही बात है शिव जी हाँ चलिए तो सी एस आई आर है बिल्कुल सी एस आई आर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेक्स्ट सवाल है आई एन एस मॉर्मागुआ आई एन एस मॉर्मागुआ ये कमीशन किया गया है नेवल डॉक यार्ड में तो नेवल डॉक यार्ड में जो ये कमीशन किया गया है आपने बताना है कि आई एन एस मोर्मागुआ ये कहाँ पे है कहाँ पे ने, किस नेवल डॉकयार्ड में इसको किया गया है ए बी सी डी बताइएगा तो हमको लगेगा कि हमको पता नहीं चलेगा कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो प्लीज आंसर बताइएगा जैसे मुंबई है या विशाखापट्टनम है फाइन समर्थ गुप्ता का आंसर आया है सही ऐसा कुछ बच्चे चेन्नई कह रहे नहीं तो समर्थ गुप्ता का आंसर है मुंबई ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है पीटा पेटा कि एनिमल के लिए काम करते हैं वो दिक्कत नहीं हो आप लोगों को इसलिए आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है क्या आप आराम से सोच समझ के आंसर दीजिए तो पेटा इंडिया ऑफ द ईयर किसको मिला है ये खिताब ये आपने बताना है आंसर आ गया है समर्थ बोल बोल रहे हैं सोना जैसे उसकी मौसी की लड़की हो लेकिन आंसर क्या है सोनाक्षी है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों लिमिटेड स्टूडेंट का ही नाम बार बार आ रहा है नए बच्चे क्यों नहीं आंसर दे रहे हैं फ्रेंड्स ऑफ द लाइब्रेरी स्कीम ये किस स्टेट ने स्टार्ट किया है फ्रेंड्स ऑफ द लाइब्रेरी स्कीम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं बस क्वेश्चन आंसर किस राज्य सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ द लाइब्रेरी स्कीम की शुरुआत की है हाँ आज हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन हैं पॉलिटिकल मैंने कर कल रखा हुआ है क्योंकि पॉलिटिकल क्वेश्चन करवाए भी थे बहुत सारे ठीक है ठीक है तो केरला और तमिलनाडु में ज़्यादा कन्फ्यूजन है एक बच्चे ने तमिलनाडु लिखा था उसको डिलीट कर दिया है तो मैं आंसर मानूंगी कंचन का ठीक है कंचन जो है वो तमिलनाडु कह रही है सबसे पहले और सुजीत कुमार भी तमिलनाडु कह रहे हैं वेरी गुड तो बाकी भी बच्चे कह रहे हैं स्पीड को देख लीजिए थोड़ा मानव एकता दिवस कब मनाते हैं दिवस में आप लोग कंफ्यूज करते हैं आराम से बताइएगा आंसर क्या होगा 18, 19, 20 या इक्कीस दिसंबर और सेशन को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा ठीक है आवाज को हम थोड़ा धीमा ही रखे अभी फर्स्ट गियर में गाड़ी चल रही है ओके ओके सारे बच्चे आज शिव जी के मंदिर गए हैं बहुत अच्छी बात है मुझे भी जाना है सुबह में तो नहीं जा पाई शाम में जाऊंगी ठीक हाँ। है तो आंसर है बीस दिसंबर आकांक्षा परिहार का आंसर आया है नेक्स्ट सवाल है कि भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व भार, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है कहाँ पे इसको स्थापित किया गया है इसका आंसर आपने बताना है अनचिंता टुडू हैं इन इनका भी आंसर आ रहा है और बहुत सही से आंसर आ रहा है ठीक है तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया है समर्थ का आंसर आ गया है लद्दाख बहुत बढ़िया लद्दाख में है उत्तराखंड में नहीं है उत्तराखंड में देवस्थल में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब तैतीस डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम है जैसे कि खैरागढ़

थर्टी सिक्स नेशनल गेम्स का मैस्कॉ क्या रहेगा ओके okay. समर्थ सबसे पहले आंसर दिए हैं सवज ठीक है क्यों समर्थ का नेट स्पीड ज़्यादा है क्या नेक्स्ट सवाल है कि रैम्स रैम इन मैक्से अवार्ड है 2022 ये एक कम्बोडियन साइक्रिस्ट को मिला है जैसे इनमें से सबको मिला है ठीक है लेकिन इसमें से ब्र, भर, ब्रम कुमार को नहीं मिला है बाकी तीन है तो इनमें से कम्बोडियन साइकेट्रिस्ट कौन है ये आपने बताना है हुँ. ओके ठीक है कंबोडियन साइकैट्रिस्ट कौन है रजत का आंसर आया सबसे पहले चिम ठीक है सो थेरा चिम है इसके अलावा मैड्रिड भी हैं हथौड़ी भी हैं और बेंचेंगिम भी हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सायरस मिस्त्री का निधन हो गया इस साल ये किस कंपनी से रिलेटेड थे सायरस मिस्त्री किस कंपनी से रिलेटेड थे ये आपको बताना है तो सायरस मिस्त्री किस कंपनी से रिलेटेड थे ये आंसर आपने बताना है कमेंट सेक्शन में गई ये रिलेटेड थे टाटा ग्रुप से ओके okay. एन रिपोर्ट के अनुसार कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे फेक न्यूज के खिलाफ केसेस दर्ज हैं आंसर क्या है वेस्ट बंगाल है बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा गाड़ी स्पीड पकड़ चुकी है आप लोग भी अपना स्पीड बढ़ा दीजिए सत्रह सितंबर को नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं किस स्टेट ने ये अनाउंस किया है कि हम इसे मनाने वाले हैं तेलंगाना ने अनाउंस किया है तेलंगाना में 17 सितंबर को ही ये स्टेट बना था तो अपना जुबली ये मना रहे हैं और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं नेशनल यूनिटी डे मना रहे हैं। okay. तेलंगना का तेलंगाना का टीआरएस पार्टी भारत बीआरएस हो गया ये पता होगा आपको व्हेन द हार्ट स्पीक्स जब दिल बोलता है एक मेमोआर है जो कि कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा लिखा गया है इस कार्डियोलॉजिस्ट का नाम उपेंद्र कुमार है उपेंद्र कॉल है उपेंद्र कॉल है, 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 है नेक्स्ट डच फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स 2022, डच फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स 2022 में खिताब किसने जीता है डच डेनमार्क डच यानी डेनमार्क होगा डानिश होगा. यानी डेनमार्क होता है ठीक है डानिश यानी डेनमार्क और डच यानी कि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड में आ जाइए आप लोग भी वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे ठीक है फिजियोथेरेपी डे यानी कि जो चेकअप होता है और इस सब टाइप का तो वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे ये किस दिन मनाया जाता है ये आपने बताना है वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे किस दिन मनाया जाता है तो वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाया जाता है आठ सेप्टेम्बर को एट्थ ऑफ सेप्टेम्बर को हम वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाते हैं वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे यानी कि जो चेकअप होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस ईवी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस हम मनाते हैं नौ सेप्टेम्बर को हिमालयन दिवस हिमालयन दिवस कहाँ पे मनाया जाता है ये आप बताइएगा वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स स्पीड आप लोग का बहुत स्लो है और इस स्पीड से मेरे पाँच सौ क्वेश्चन कम्प्लीट नहीं होंगे और पाँच सौ क्वेश्चन कम्प्लीट करने हैं तो प्लीज स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कीजिएगा हाँ जी तो ये मनाया जाता है कहाँ पे उत्तराखंड में नेक्स्ट सुसाइड प्रिवेंशन डे सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी कि सुसाइड को होने से बचाना है ये होता है 10 सितंबर को भारत का रैंक क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2021 में हुआ है ये है ना 2021 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भारत का रैंक क्या है 191 कंट्रीज़ में भारत का रैंक है वन हंड्रेड नेक्स्ट कौन सा ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा भारतीय को वीज़ा मिलता है किस देश से भारत के लोगों को सबसे ज़्यादा वीज़ा मिलता है तो ये देश है कौन सा अमेरिका फाइन नेक्स्ट क्वीन एलिजाबेथ टू का निधन हो गया है क्वीन एलिजाबेथ टू जो कि बकिंगम पैलेस में इनका अनाउंसमेंट हुआ कि इनका निधन हो गया है क्वीन एलिजाबेथ टू कितने साल तक महारानी रह चुकी है इनका शासन काल कितने टाइम तक रहा है इनका शासन काल सत्तर साल सात महीने का रहा है फाइन

कि ये रबर डैम जिसका नाम है गया जी ये नीतीश कुमार जी ने इनोग्रेट किया है सबसे बड़ा रबर डैम तो ये कहां पे किया गया है तो ये फाल्गु नदी के किनारे ठीक है हैजन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लेस एंड नंबर ऑफ कमेंट्स आर लेस द रीजन कैन वी बैकअप हाउ इज द जोश जोश इज वेरी हाई हाउ इज द जोश गाइज तो पलटन आप लोग इस तरह से कैसे देंगे एनर्जी एनर्जी नहीं है क्लास में और एक बहुत आराम आराम से आंसर दे रहे हैं निक्षय, निक्षय पोर्टल जो है वो के लिए पहला ऐसा भारतीय जिसने डायमंड लीग खिताब जीता वो कौन है नीरज चोपड़ा है ठीक है नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग खिताब जीता तो ये थे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अब हम लोग कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ठीक है कल बाकी जो मेडिएवल और इंडियन एंशंट हिस्ट्री है उसके क्वेश्चंस करेंगे अभी हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस फाइन रेडी स्टडी गो नेक्स्ट तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दिया गया तो ये मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी को किसके द्वारा दिया गया इच्छाधारी नागिन कैरियन जोश इज़ वेरी हाई अच्छा तो ये किसके द्वारा दिया गया इस क्वेश्चन का आंसर हम वेट कर रहे हैं बोल रहे आज कुछ खाने को नहीं मिला इसलिए एनर्जी कम है अच्छा जीके की क्लास भी अभी होगी यहाँ पे ही हो रही है क्वेश्चंस और कल एक ग्यारह बजे भी आपका एक मैराथन होगा फाइन तो क्वेश्चन का आंसर आ गया है एलिजाबेथ वन है ठीक है क्वीन एलिजाबेथ वन नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा वो शिप था जिस पे कौन सा वो इंग्लिश शिप था जिस पे सबसे पहले कोई अंग्रेज भारत आया था उस शिप का नाम क्या था तो शिप का नाम क्या था अंग्रेजी शिप का नाम क्या था जिस पर कोई अंग्रेज बांट के भारत आया था तो वो नाम था इसका रेड ड्रैगन 1608 में आया था कि कौन आया था कैप्टन विलियम हॉकिंस नेक्स्ट सवाल है कि फर्स्ट यूरोपियन जिसने सेट किया सी रूट सेंटर्ड इन इंडिया सी रूट सेंटर इन इंडिया तो ये फर्स्ट यूरोपियन कौन बना जिसने इसको सेट किया फर्स्ट यूरोपियन बने कौन से तो ये है द दोर्तुगीज द पोर्तुगीज़ पहले ऐसे यूरोपियन है जो कि सी रूट यहाँ पर सेट किया आपको पता है फिर नेक्स्ट सवाल है कि पुर्तुगीज में ऐसे तो वास्को डेगा सबसे पहले आए थे 1498 में लेकिन भारत में पोर्तुगीज में सबसे पहला वाइस रॉय कौन बना था तो गवर्नर बोल लो या वाइस रॉय बोल लो सबसे पहला था अल्मेडा लेकिन जो रियल था वो एल्बुकर्क था एल्बुकर्ड की एल्बुकर्क नेक्स्ट क्वेश्चन कि बंगाल वॉज स्टैब्लिश बाय पोर्तुगीज बंगाल को पोर्तगीज द्वारा स्टैब्लिश किया गया था आपने बताना है कि बंगाल को पोर्तुगीज द्वारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज़ ठीक है यहाँ पे कहाँ पे फैक्ट्री लगाई गई थी पोर्तज़ जो हैं वो फैक्ट्री लगाए थे हुगली में है ना सी आई एस एफ के लिए भी क्लास है बिल्कुल सही बात है नेक्स्ट सवाल है कि वास्को डेगामा ने सी रूट को डिस्कवर किया है वास्को डेगामा ने सी रूट को किस साल डिस्कवर किया है वास्को डेगामा ने सी रूट को किस साल डिस्कवर किया है तो ये डिस्कवरी जो है फोर्टीन हंड्रेड एंड नाइन्टी एट में हुई है नेक्स्ट सवाल कि फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्ट किया गया बाय द ब्रिटिश इन इंडिया तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पोर्ट ब्रिटिशर्स द्वारा पहला पोर्ट कौन सा और कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया सेंट जॉर्ज जो है वो मद्रास में हुआ था पहला पोर्ट जो फोर्ट जो स्टैब्लिश हुआ था वो था सेंट जॉर्ज ठीक है विलियम ने नेक्स्ट सवाल है ब्लू वाटर पॉलिसी ब्लू वाटर पॉलिसी इन इंडिया तो यानी कि यहाँ पर अगर आप पानी को क्रॉस करते हैं तो आपको टैक्स और कस्टम देना पड़ेगा ये पोर्तगीज ने लगाया हुआ था किस बैटल में जो बैटल है इसका नाम है वॉन्डी वॉश तो वॉन्डी वॉश में ब्रिटेन ने किस कंपनी को पूरी तरह से हरा दिया था तो कंपनी थी फ्रेंच ठीक है की लड़ाई ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुई थी नेक्स्ट सवाल है द मोटिव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी क्या था ईस्ट इंडिया का मोटिव जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी और भारत आई थी तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी और भारत आई थी तो इसका मोटिव क्या था कि ये ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं और जब्त करने के लिए नहीं आ रहे हैं यहाँ का टेरिटोरी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे थ्री जी भी याद रख सकते हैं गॉड ग्लोरी और गोल्ड के लिए आए थे यानी कि दुनिया भर में जितना भी वेल्थ है उसको लेने के लिए क्रिश्चियनिटी धीरे धीरे स्प्रेड करने के लिए और ग्लोरी यानी ब्रिटेन का जो ग्लोरी है उसको ग्लोरीफाई करने के लिए फर्स्ट कर्नाटिक वॉर विथ वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन वॉर्स फ्लर्ड द ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर तो क्या हुआ था जिसके कारण कर्नाटिक वॉर स्टार्ट हुआ तो पहले ऑस्ट्रिया में यहाँ पे सक्सेशन ऑस्ट्रिया के राजा का डेथ हो गया और फिर वहाँ पे चलने लगा कि कौन राजा बनेगा उसके कारण भारत में भी भारत में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में लड़ाई शुरू हो गई वेर इन इंडिया डिड पोर्तुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्टिस पोर्तुगीज ने पहला किला कहाँ पे बनाया था देखिए सबसे पहले पोर्तुगीज आए थे कैलिकट में 1498 में तो यहाँ पे पोर्तुगल के विस्को गामा सबसे पहले आए इसके पहले कोशिश किसने की थी बर्थोलोमियो डियाज ने जब वास्को गामा सबसे पहले आए तो उनको यहाँ के जैमोडिन ने आ, स्वागत किया और ये आए थे कैलीकट में इनका पहला कैपिटल और पहला जो किला बंदी था वो कोचिन में हुआ लेकिन पंद्रह में गोवा को जीत लिया एल्बो और पंद्रह में जाकर गोवा पोर्तुगीज के अधीन आया ठीक है वहाँ का कैपिटल का बना और 1961 में जाकर ऑपरेशन पोलो आपको पता होगा ऑपरेशन विजय राइट तो गोवा को लिबरेट किया गया तो पुर्तुगीज सबसे पहले आए थे और पुर्तुगीज सबसे लास्ट में गए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से यूरोपियन असिस्ट किए थे बाजीराव राव बा, बालाजी बाजीराव को अगेंस्ट द अंग्रेज लिखा हुआ है तो इंग्लिश के खिलाफ इंग्लिश के खिलाफ हाँ कौन से यूरोपियन पावर ने असिस्ट किया था यहाँ पे इंग्लिश नहीं होगा यहाँ पे फ्रेंच होगा फाइन बालाजी बाजीराव को फ्रेंच ने किया था नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग द ऑफ़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब बना था तो उस समय राजा या महाराजा कौन थे तो ये थी एलिजाबेथ वन अभी निधन हुआ एलिजाबेथ टू का वॉट वॉज द नेम ऑफ द फर्स्ट शिप ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी ऑफ इंग्लैंड टू रीच तो पहला शिप जो सोलह सो में आया था तो वो हेक्टर आया था ठीक है हेक्टर शिप था जो आया था लेकिन कैप्टन सोलह सो आठ में रेड ड्रैगन पे बैठे थे है ना ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया ये शिप पहुंचा था लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं बस वो आया था वास्को डेगामा कितने बार भारत आ चुके हैं वास्को डेगामा भारत आ चुके हैं टोटल तीन बार ठीक है नेक्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट फैक्ट्री पहला फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी का कहाँ बना सूरत में बना ठीक है अगर यहाँ पर ऑप्शन में मैसूलीपट्टनम और सूरत दोनों रहेगा तो सूरत अगर पूछेगा पहला कंप्लीट कहाँ हुआ था तो मैसूलीपट्टनम विच गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी मेड ट्रीटी ऑफ मेंगलुरु विथ टीपू ठीक है विच गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी मेड ट्रीटी ऑफ मंगलुरु विथ टीपू सुल्तान तो बेंगलुरु का टीपू सुल्तान ने जो साइन किया था ट्रीटी तो उस समय कौन थे गवर्नर जनरल जनरली क्या पूछा जाता है कि लास्ट कौन सा युद्ध था तो श्रीरंगम पट्टनम का था ये थे लॉर्ड मकार टैनी मकार टैनी, टैनी। नेक्स्ट सवाल है किसने परमिशन दिया था पहला फैक्ट्री हुगली में लगाने के लिए परमिशन पहले शाहूजा ने दिया था हुगली में बंगाल में जो है उसमें फैक्ट्री लगाने के लिए ठीक है हुगली बंगाल में यस नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हु फाउंड इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल तो ये मुशीद कुली खान है जिन्होंने बंगाल को स्थापित किया तो हम मुर्शिदाबाद को कैपिटल रखा था निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे यूरोपियन है जो अंतिम थे स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में आने वाले तो लास्ट में कौन आया था लास्ट में आया था फ्रांस नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन काजू अनानस जिसको आप पाइन कहते हैं और तंबाकू भारत में कौन लेकर आया तो पोर्तज फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन कि रियल फाउंडेशन ऑफ पोर्तुगीज अम्पायर ये किसने रखा था भारत में रियल फाउंडर रियल फाउंडर थे एल्बुकर की नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर जॉर्ज ऑक्सीडन सर जॉर्ज ऑक्सीडन ये कौन थे सर जॉर्ज ऑक्सीडन शायद बहुत लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा ये बॉम्बे के पहले गवर्नर थे बॉम्बे के पहले गवर्नर थे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बॉम्बे विच ईस्ट इंडिया which Governor of East India Company in India was expelled by औरंगजेब ठीक है थोड़ा सा स्पीड में आइए आप लोग प्लीज नॉट सेटिसफाइड विथ योर स्पीड ईजी क्वेश्चन है वन वर्ड आंसर है और गई नंबर ऑफ लाइक्स भी थोड़े कम हैं तो नंबर ऑफ लाइक्स आप इंक्रीज कर लीजिए और आंसर दीजिए फटाफट जल्दी से ठीक है तो जॉन चाइल्ड हैं जिनको औरंगजेब ने एक्सपेल कर दिया था नेक्स्ट निम्नलिखित में किस मुग़ल बादशाह ने अंग्रेज़ों को भारत में उनके व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए महत्वपूर्ण फरमान लॉन्च किया था तो आपको पता होगा कि फारूक की बीवी थी जिनका तबियत ठीक नहीं था तो उसके लिए फरमान को लॉन्च किया गया था नेक्स्ट सवाल कि कैप्चर सालसटे एंड बसेन फ्रॉम पोर्तज़ तो नाइन 1739 में पेशवा जिसने जिसने सालसटे और बसीन को कैप्चर कर लिया था सेवनटीन 1739 में तो ये बाजी राव वन थे बाजी राव वन इन्होंने साल सेटर और बेसिन को कैप्चर कर लिया था नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम व्हाट इज द प्रॉब्लम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आज सच में बहुत ज़्यादा कम है गईस महाशिवरात्रि के मौके पर ऊपर वाले को थोड़ा सा याद करके जिन पर भी विश्वास है गणेश जी अच्छे लगते हैं या शिव जी अच्छे लगते हैं कोई भी जो आपको अच्छे लगते हैं है ना मम्मी पापा अच्छे लगते हैं तो आप उनको याद कीजिए और जल्दी जल्दी आंसर बताइए ठीक है, ओके तो सहायक संधि की व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था तो ये निजाम ऑफ हैदराबाद है। नेक्स्ट है जिज मोहम्मद शाही एक किताब लिखी गई है और इसके बारे में पता चलता है कि ये लोग एस्ट्रोलॉजी को भी मानते थे ठीक है तो एस्ट्रोलॉजी को मानते थे यानी ज्योतिष ज्ञान को मानते थे और 1733 में ये बात है ये किताब लिखी गई थी सवाई जयसिंह द्वारा तो सवाई जयसिंह ने बहुत सारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश किया हुआ है ना जयपुर में बनारस में दिल्ली में फिर है कि साउथ इंडिया रूलर कौन से हैं दक्षिण भारतीय शासक जिन्होंने हु कल्चर सैरीकल्चर कल्चर यानी कि सिल्क का जो कल्चर होता है सिल्क निकालने की जो प्रक्रिया होती है एज एन एग्रो इंडस्ट्री इन हिज किंगडम तो ये है टीपू सुल्तान फाइन चलें अब देखिएगा छत्तीसगढ़ में बहुत सारे स्टेट्स आ गए हैं तो पहले आपसे पूछा जा रहा है कि इंजीनियरिंग डे कब मनाया जाता है इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है ठीक है तो इंजीनियर्स डे मनाया जाता है कब 15 सितंबर को नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है तो लोकतंत्र के लिए पंद्रह सेप्टेम्बर अगला क्वेश्चन लिम्फोमा खून से रिलेटेड बीमारी है कैंसर है काइंड kind ऑफ of. लिम्फोमा के अवेयरनेस के लिए ये ये बीमारी के अवेयरनेस के लिए भी पंद्रह सेप्टेम्बर है अगला क्वेश्चन है कि जी ट्वेंटी के टाइम में भारत किस कंट्री को इनवाइट कर रहा है प्रेसिडेंसी भारत के पास है बांग्लादेश को नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूज़ियम जो हड़प्पा कल्चर को सेट करेगा तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूज़ियम ऑफ हड़प्पा कल्चर ये कहाँ पे है तो ये हरियाणा के राखी में है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में टॉप्स इन इंडिया विथ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइएस्ट अमृत सरोवर कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है यह उत्तर प्रदेश स्टेट मेन टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू अंडर द इंडिया विल प्ले मेन टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप तो भारत जो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप खेलेगा ये रोहित शर्मा खेलेंगे यहां पर ठीक है के कैप्टेंसी में अंडर यू एन का जो रिपोर्ट आया है जिसमें कहा गया है कि बहुत लोग मॉडर्न स्लेवरी के कब्जे में है पचास मिलियन लोग मॉडर्न स्लेवरी के कब्जे में है मुझे स्पीड बहुत कम दिख रहा है बहुत फाइन आई एम ओनली डिक्रीजिंग माय स्पीड प्लीज कोप अप कोप अप नंबर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर आल्सो लेस और आप लोग आंसर बड़ा आराम से दे रहे हो यार, सुस्त. Huh? Guys, लेके के लद्दाख पटकथा लेखक मेला का वस्तु उद्घाटन किसने किया है वास्तु तो उद्घाटन किसने किया है तो ये है आर के माथुर नेक्स्ट क्वेश्चन ओजोन डे ओजोन डे हर साल मनाया जाता है कब तो 16 सितंबर को मनाया जाता है इंडिया बीट करेगा नेपाल को 4-0 से सैफ अंडर 17 में फिर पूछा जा रहा है कि सैफ अंडर 17 में भारत ने मतलब किसको हराया या कौन जीता तो इंडिया जीता है बेसिकली इंडिया ने किसको हराया है नेपाल को ये क्या है तो यहाँ पे इस्टब्लिश किया गया है तेलंगाना में फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी तो तेलंगाना में क्या इस्टिश किया गया है फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी फाइन फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे आप देखेंगे इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है इंटरनेट सर्विस किस कंपनी के साथ ह्यूक्स के साथ ह्यूक्स के साथ फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन गई ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस किस कंपनी द्वारा ह्यूक्स द्वारा है ठीक है ओके स्मार्ट एड्रेस स्मार्ट एड्रेस ये स्मार्ट सिटी इंदौर बनी है तो यहां पे आप देख सकते हैं कि स्मार्ट सिटी इंदौर स्मार्ट एड्रेस बनी है फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड बना है तीसरा वो स्टेट जो कि फूड एटलस बनाएगा तो अभी बिहार और उड़ीसा के बाद कौन सा स्टेट बन गया झारखंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं और क्वेश्चन का आंसर बताइए कौन से वो रेसलर हैं जो दो मेडल जीत चुके हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसे टाइपिंग कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे गर्मी ज्यादा है ना जी नेक्स्ट इस पे बड़ा ध्यान रहता है यार तुम लोग का क्वेश्चन पे ध्यान नहीं है लेकिन मेरे पूरे गतिविधि पे आपका पूरा ध्यान है। पहला आपके सामने है। ये मैं वेट कर रही हूँ आप लोग के आंसर का आराम आराम से और जो भी टॉप जो भी फर्स्ट स्टूडेंट जो आंसर देंगे उनका नाम भी लिया जाएगा तो भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब ने किसने की किससे की है करजन ने कहा है करजन ने कि किसके प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की गई है ओके okay. आंसर अभी तक मुझे नहीं मिला है रजत पूछ रहे हैं कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा जा रहा है फिर बता रहे हैं कि तिलक के बारे में बहुत सारे बच्चे तिलक कह रहे हैं ओके okay, तिलक पूछा जा रहा है भारत में कर्जन ने प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की है तो ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं ठीक है ये किताब लिखी गई और गोपाल कृष्ण गोखले की तुलना जो है वो औरंगजेब से की गई है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में ब्रिटिश वास्तुओ के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया है तो पूछा जा रहा है कि सबसे पहले किसने कहा था कि बंगाल में ब्रिटेन का जो समान है ब्रिटिश का समान इसका पूरी तरह से बॉयकॉट कर देना चाहिए तो ये सुझाव जो है वो कृष्ण कुमार मित्रा ने दिया था कृष्ण कुमार मित्रा ने सबसे पहले ये सुझाव दिया था कि बॉयकॉट कर देना चाहिए फेमस लखनऊ पैक्ट साइन हुआ जिसमें इंटरनेशनल कांग्रेस में, में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट सेम हो गए और मुस्लिम लीग भी आकर मिल गए तो ये जो फेमस लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का ये किस साल हुआ था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसी मजुमदार थे अंबिका चंद्र मजुमदार प्रेसिडेंट थे और 1600 मतलब 1916 में लखनऊ में हुआ अगला क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट को आप एसोसिएट कर सकते हैं किस मूवमेंट से सिविल डिसोबिडेंस या मोस्टली लिखा है ये नहीं कि बाकी में नहीं है लेकिन मोस्टली सिविल डिसोबिडेंस होम रूल खिलाफत या नॉन कोऑपरेशन तो एनी बेसेंट को आप रिलेट कर सकते हैं होम रूल मूवमेंट से अगला सवाल है क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमिनेशन वाज रेड आउट बाय लॉर्ड कैनिंग तो क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमिनेशन ऑन फर्स्ट नवंबर 1858 लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था कहाँ पे कि क्वीन विक्टोरिया क्या कहना चाहती थी हम्म आंसर मुझे नहीं मिल रहा है आंसर है यहाँ पे इलाहाबाद नेक्स्ट सवाल कि गदर गदर जो है ये सबसे पहले ये एक जर्नल था एक किताब मतलब मैगजीन जैसा लॉन्च किया गया था तो गदर को किस भाषा में लॉन्च किया गया है ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है आई एम रियली सॉरी फॉर माई वॉइस थोड़ा सा थ्रोट इशू है मेरा हाँ तो ये लॉन्च किया गया था कहाँ पे तो ये उर्दू में सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था फाइन श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किस शहर में एक इंडिया होम बनाया था इसमें जो भी बच्चे थे वो जाते थे यहाँ पे जाते थे और जाके यहाँ पढ़ते थे हॉस्टल जैसा था और ये लंदन में इन्होंने खोला था और उनको वो ट्रेनिंग देते थे निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का थीम गीत बन गया ये आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मूवमेंट हुआ था जिसमें वंदे मातरम को थीम बनाया गया था तो यह है आपका स्वदेशी मूवमेंट नेक्स्ट आप देखेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था 1892 में यह पढ़ाया हुआ है पॉलिटी में भी फिर आप देखें बंगाल का पार्टीशन बंगाल का पार्टीशन हुआ 1905 में किसने बंगाल के पार्टीशन के खिलाफ जो आंदोलन चला उसको लीड किया तो लीड किया है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने एस एन ने। है ने निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया है स्वदेशी मूवमेंट इन दली तो स्वदेशी मूवमेंट इन दली जो है ये सैयद हैदर रजा ने किया है मित्र मेला एसोसिएशन मित्र मेला एसोसिएशन ये किसने किसनेड स्टार्टेड मित्र मेला एसोसिएशन तो ये है विनय दामोदर सावरकर नेक्स्ट क्वेश्चन औरविंदो घोष हैज डिफेंडेड इन अलीपुर बॉम्बे केस अलीपुर बॉम्ब केस तो औरविंदो घोष को किसने डिफेंड किया अलीपुर बॉम्ब केस में तो अलीपुर बॉम्ब केस में सीआर दास जो लॉयर हैं उन्होंने औरविंदो घोष को यहाँ पे डिफेंड किया नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है उन्नीस सौ सो सोलह में मुस्लिम लीग और कांग्रेस यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हुआ तो ये कॉम्प्रोमाइज हु ब्रॉड द कॉम्प्रोमाइज किसके कारण हुआ बाल गंगाधर तिलक के कारण हुआ हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद होम रूल होम रूल मूवमेंट से कौन जुड़े हुए नहीं थे होम रूल मूवमेंट तिलक और एनी बेसेंट आपको पता है सी आर दास से जुड़े नहीं थे सी आर दास ने अपना स्वराज पार्टी बनाया था 1923 में नेक्स्ट रियल नेम रियल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन है जिनका असली नाम क्या है रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम है रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम है ये आपने बताना है ठीक है हाँ तो ये है तात्या तोपे फाइन नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट ऑफ सूरत सेशन ऑफ अगर हम और चलाएंगे आवाज कुछ देर में गायब हो जाएगा आई गेस इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907 तो ये है राजबिहारी बोस नेक्स्ट गणपति फेस्टिवल इन महाराष्ट्र ये स्टार्ट किया गया था वो स्टार्टेड बाय गणपति फेस्टिवल इन महाराष्ट्र स्टार्टेड बाय तो ये स्टार्ट किया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा द कॉन्स्परेसी टू डिवाइड बंगाल वाज एम्ड एट बंगाल को विभाजित करने की साजिश का उद्देश्य क्या था सोच समझ के बताइएगा क्यों बंगाल को विभाजित करने की बात की जा रही थी तो ये था सारा कारण था नेशनल फ्रीडम मूवमेंट को वीक करना हिंदू माइनॉरिटी को ब्रिंग हिंदू हिंदू इन माइनॉरिटी जो नया स्टेट आएगा बांग्लादेश उसमें हिंदू को माइनॉरिटी में लाना और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ना गदर पार्टी के फाउंडर कौन थे गदर पार्टी के फाउंडर थे लाला हरदयाल नेक्स्ट चलिए तो स, हम देख लिए आपका हिस्ट्री में क्या हाल है थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करना होगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाइए फाइन आप सभी से आई एम सेइंग दिस कोई भी ऐसा स्टूडेंट मुझे नहीं लगे जिनका सारा क्या था आपका हिस्ट्री में स्कोर मान लीजिए अगर मैं बोलूंगी कि बीस क्वेश्चन में आपने इस सेट में कितने स्कोर किए तो क्या बताइएगा कितना स्कोर रहा आपका हिस्ट्री में जी हुँ? हिस्ट्री में व्हाट वाज योर स्कोर ठीक है ओके चलिए निराशा प्रदर्शन ठीक है निराश वही ना बारह बारह दस तक ही हम देखे पंद्रह तक सबका गलती हुआ है तो हिस्ट्री को थोड़ा और क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रिवाइज करेंगे देखिए उत्तर प्रदेश ने अभी शेड्यूल ट्राइब का लिस्ट बनाया है जिसमें गोंड को डाला है फाइन स्कूल में ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया गया है किस स्टेट द्वारा स्कूल में ब्रेकफास्ट किस स्टेट द्वारा स्टार्ट किया गया है तमिलनाडु के द्वारा नेक्स्ट है कि लूनर स्पीड ज्यादा है हम तो बहुत आराम से कर रहे हैं बोल रहे स्पीड ज्यादा है अभी भी स्पीड ज्यादा है लूनर ऑक्यूलेशन यूरेनस नहीं दिख रहा था ग्रहण के टाइम ठीक है फाइन अगेन मैं स्पीड कम कर लेती हूँ तो अभी बोला जा रहा है कि एस के रिजर्वेशन को 6 था इसको बढ़ा दिया जाएगा 6% से बढ़ा के इसको यहाँ पे आप देखेंगे एस के रिजर्वेशन को बढ़ा दिया जाएगा तेलंगाना में और 6 से इसको दस परसेंट कर दिया जाएगा अगला सवाल स्वच्छ सूजल प्रदेश स्वच्छ सूजल प्रदेश भारत का पहला स्वच्छ सूजल प्रदेश ये डिक्लेयर किया गया है ये होगा आपका अंडमान निकोबार में नेक्स्ट क्वेश्चन पुलवामा अटैक के टाइम जम्मू एंड कश्मीर में एक सौ बीस फीट लंबा नेशनल फ्लैग किसने होस्ट किया टू सेट एन इंस्टीट्यूशन ऑन द लाइन ऑफ नीति आयोग नीति आयोग के लाइन में ठीक है वेरियस सेक्टर में डिसीजन लेने के लिए यहाँ पे महाराष्ट्र एक नाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर हैं जैसे नीति आयोग है वैसे महाराष्ट्र कह रहा है कि हम अपना बनाएंगे फिर है कि डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर डीडीआरसी डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर ये यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय द्वारा किया गया है वीरेंद्र कुमार ने कहा है तो ये कौन सा लिस्ट स्टेट में नहीं है मतलब कौन सा स्टेट लिस्ट में नहीं है तो ये बनारस है बनारस में आप देख सकते हैं कि बदाउन पीलीभीत बले बरेली या बालाघाट गोलाघाट अहमदाबाद अमरावती कुल्लू रामपुर ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं किस चीज़ के लिए तो यहाँ पे डिसेबल जो लोग हैं जो लोग दिव्यांग हैं उनके रिहेबलीटेशन के लिए नेक्स्ट 25 साल की 25 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं विनीशा नकाते ये यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर बनी है तो यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर मनीषा नकाते ये युगांडा की हैं फाइन नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट सवाल निम्नलिखित ने में से कौन सा सा केंद्र है कें, केंद्रीय मंत्री जो सितंबर 2022 में ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम में भाग लेने के लिए अमेरिका में एक संयुक्त मंत्रालय प्रतिमंडल का नेतृत्व करेंगे यहाँ पूछा जा रहा है कि ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन में कौन से ऐसे मंत्री हैं जो भाग लेने वाले हैं तो यह हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह अगला बायोलेट्रल लैंडर फॉर श्रीलंका ओवरटेकिंग चाइना तो श्रीलंका में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कौन करने वाला है चाइना को पीछे छोड़कर यह है भारत तीन मेगावाट एनर्जी अडानी ग्रीन एनर्जी ये कहाँ पर इस्टेबलिश होने वाला है ये मध्य प्रदेश के धार में हर बार गुजरात नहीं दुनिया का सबसे बड़ा केनाल कैनाल लॉक केनाल लॉक दुनिया का सबसे बड़ा केनाल लॉक ये नीदरलैंड्स में फाइन ईवी चार्जिंग स्टेशन ये इनाग्रेट किया गया कि शहर में इनाग्रेट किया गया इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुड़गांव में डिमांड का गो, गोल्ड का डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है और आप लोग का आंसर देने का जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो चुका है बुझा नहीं रहा लगता है क्लास में आप लोग को समझ में नहीं आ रही है क्या हो रहा है? जिंदगी में क्या चल रहा है लगता है वैलेंटाइन वीक गया है बहुत लोग निराशा से ग्रसित हैं। अच्छा किसका किसका अच्छे से हुआ मतलब जो रिस्पांस आपको चाहिए था सामने वाले से रिस्पांस मिला या निराशा ही मिली है देखो अगर निराशा मिले तो ये अच्छी बात है ठीक है वो सब आपने देखा ही होगा इंतकाम और ये सब तो अब ले लो ना इंतकाम ऑफिसर बन जाओ तो अब जो भी जो भी रिजेक्ट या रिजेक्ट होके आई हैं फिर ऑफिसर बन जाइएगा तो समझ में आ रहा है फिर सामने वाला एकदम रेगरेट में चला जाएगा पॉक चल रहा है ओवर लोडेड है शायद अच्छा चलिए तो गोल्ड का डिमांड देखो गोल्ड इसलिए गोल्ड से ही हमको याद आया तो आप लोग गोल्ड वोल्ड गिफ्ट कीजिएगा लेकिन उसके लिए भी ऑफिसर बनना पड़ेगा है ना से मिल जाए सही बात अच्छा बताओ कि रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस चौथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया है आप भी निराश लग रही हैं आपके भी वीक चल नहीं रहा है मेरा अच्छा सही बात हम्म हम तो शिवरात्रि वाले हैं एक्चुअली आज हम भी थोड़ा फास्ट में हैं इसलिए हम अपना एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं पूरे दिन इसी इसी से काम चलाना है तो फोर्थ टाइगर रिजर्व ये आपका राजस्थान में ओके okay? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये आपका होता है यहाँ पे एक्चुअली टी ट्वेंटी टी इंटू टू अच्छा यूपी से निकालना है तो टाइगर का हम सेकंड करने वाले हैं टाइगर का पॉपुलेशन सेकंड होने वाला है सत्यमंगलम सत्यमंगलम ये है आपका तमिलनाडु में ओके okay. नेक्स्ट अच्छा दिलीप गुप्ता तुमको टांग नहीं ऊपर ओके थोड़ा सा बस क्लास में तुम लोग तुमको नहीं लगता है कि तुम लोग एक घंटे एक घंटे भी एकदम वैसे नहीं हो सकते हो कि एकदम सीरियसली मैम आज मैराथन है और हम आज बहुत सारे पाँच सौ क्वेश्चन बनाने बिना टाइम वेस्ट किए के पाँच सौ क्वेश्चन बनाएंगे नहीं थोड़ा सा हमको कभी कभी जब वन आई स्टैंड है एंड आई टीच ठीक है तो कभी कभी हमको टीचर से ज़्यादा स्टैंड अप कॉमेडी वाला फीलिंग ज़्यादा आता है कि गाइज हेलो हाई आई हैव कम है टू मेक यू स्माइल एंड लाव एंड हंसी करते करते हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन भी बना लेंगे देखा जाएगा वो फीलिंग हमको ज्यादा आता है यहाँ पे कभी कभी हम किसी दिन आते हैं एकदम सीरियस कि चलो ठीक है आज एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ 500 क्वेश्चन है और 500 क्वेश्चन को हम लोग एकदम स्पीड में बनाएंगे और कुछ नहीं सोचेंगे दिमाग को एकदम ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे बच्चे बोलेंगे ना हम तो चले हाँ बोल रहे प्रेम फैलाने वाले बच्चों को भगाइए यहाँ से ठीक बुढ़ा आप ही ये सब क्वेश्चन करती हैं आप ही तो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं इधर उधर बात करके बस पॉलिटिकल जोक से बच कर मैम प्रॉब्लम हो जाएगी पॉलिटिकल जोक कहाँ ही मार रहे चलो शो मारा श्यो मारा देखो ये राष्ट्रपति बन गई है हम लोग क्या छोटे छोटे बात में फंसे हुए हमको हम याद दिला रहे कि मैम टाइम वेस्ट हो रहा है प्लीज़ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कुछ बच्चे हैं जो जिनको चाहिए कि मैम एकदम कॉन्सेंट्रेशन से आज क्वेश्चन आंसर करेंगे लेकिन कुछ कुछ बोलते बे चलो मजाक नहीं हो रहा है एकदम मजा नहीं आ रहा है मजा आएगा यार एग्जाम निकल जाएगा तो हर बात पे हंसी आएगी नहीं निकलेगा तो भी हर बात पे हंसी आएगी लेकिन उसको लोग पागलपन का दर्जा दे देंगे तो देखते हैं आपकी हंसी कौन सी वाली होने वाली है ओके डिजिटल हम एक चीज नोटिस के बस एक अपना थॉट हम कहना चाहते हैं ठीक है मेरा भी एक एक दो नलायक कजन वजन भाई रहता है तो क्या होता है कि जब रिजल्ट नहीं निकलता है तो वो कुछ भी बोले कुछ भी बोले अच्छा बात भी बोले तो भी गुस्सा आता है क्या अरे ये बोल ही क्यों रहा है या इसका एग्जिस्टेंस ही क्यों है किसी कोने में पड़ा रहे ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ भी शायद एग्जाम के रिजल्ट के टाइम में या स्कूल कॉलेज के रिजल्ट के टाइम में और अगर अच्छा नंबर कोई ले आया तो उसके बाद वो जो भी बोले बड़ा अच्छा लगता है मतलब अगर मान लो तुम ही सोचो कि अभी रिजल्ट आया है रिजल्ट को दो तीन चार दिन बीत दिया है लोग उस सदमे से बाहर निकल चुके हैं है ना और आप बोले कि मम्मी चलो ना थोड़ा आइसक्रीम ले आते हैं आज आइसक्रीम खाते हैं तुमको लगेगा कि मम्मी का ही मूड ठीक नहीं है या पापा का मूड ठीक नहीं है तो घर का माहौल अच्छा किया जाए गर्मी आ रही है तो तुम लोग अपने पैसा से अपने पैसा से ऐसा नहीं कि पैसा भी मांग रहे हो है ना कहीं से पैसा तुम लोग का जुगाड़ हुआ है और तुम बोले कि आज ना आइसक्रीम लेके आते हैं या तुम खुद ही बिना पूछे आइसक्रीम लेके आ गए तो वो जेस्चर भी लोगों को खराब लगेगा लेके आए हो कि घर में किसी को अच्छा लगेगा आइसक्रीम तो खाए माहौल थोड़ा हल्का हो वो जेस्चर भी खराब रहेगा लेकिन अगर तुम्हारा रिजल्ट आ गया अच्छा और तुम बोले कि आज हम जा रहे अपने फ्रेंड्स के साथ यू नो मेरे को पाँच सौ रुपये दे दो तो पाँच सौ क्या तुमको हो सकता है कि वैसे मेरे खास हजार तो नहीं दिया जाएगा पांच सौ पचास रुपया दे दिया जाए किलो पचास रुपए आने जाने के लिए राइट तो उसके बाद तुम जो करोगे अच्छा लगेगा चलिए ठीक है आप क्लास को टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बस हमें एक भावना था उसको प्रकट कर रहे थे हु हु हैज़ हैज़ सीरियस सीरियस सब एकदम डिजिटल संसद ऐप ताकि जो प्रोसीडिंग है वो एबल किया जा सके लाइव किया जा सके तो ये ओम बिरला है ओम बिरला है इन्होंने इसको किया है ठीक है बोल रहा है कि श्रुति सही बात बोल रही है तो बोल रही है कि एग्जाम के बाद क्रेडिट लेने आ जाते हैं हम ही तो उसको बोले थे कि मन से पढ़ो तभी ना निकला ये भी होता है ये भी होता है मेरे घर में भी होता है तो मेरी एक बुआ है वो बहुत एकदम एग्जाम फ्रीक है मतलब उनका काफी एग्जाम निकला हुआ है तो घर में जो भी बच्चा होता है मतलब हम एक और भावना प्रकट कर रहे हैं तो ऐसा होता है कि एग्जाम होता है और उन ऐसा नहीं कि वो पढ़ा रही है ठीक है लेकिन वो बहुत बड़ा टेंशन में रहेंगी फिर हम लोग बोलते हैं कि अरे ठीक है अब बच्चा है उसका एग्जाम है तुम क्यों टेंशन तो टेंशन लेते लेते तो एक को इतना अच्छे कॉलेज में डाले अब फिर से टेंशन लेंगे तब ना तो दूसरा अच्छे कॉलेज में जाएगा तो ये भी होता है ठीक चलिए अब एकदम अब अच्छे से तो टेन ट्रिलियन ड्रीम ये किताब लिखी गई है ये किताब सुभाष गर्ग द्वारा लिखी गई है फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन तो भारती एयरटेल ने यूएस डॉलर वन बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है किस कंपनी में गूगल में किया है ओके नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल सवाल है सवाल है कि कोविड 19 को डायग्नोस करने के लिए यहां पे टेक्निक जो कि एक्सरे इमेज से ही बता देगा कि कोविड है कि नहीं तो ये जोधपुर ने शुरू किया आई जोधपुर ने ठीक है हम एकदम तो सीरियस है वृद्ध व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय ठीक है न्यूज़ रिपोर्टर जैसा भी बता सकते हैं कि वृद्ध व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है वृद्ध व्यक्तियों के लिए तो ये ओल्डर पर्सन ओल्डन पर्सन जो है वो एक अक्टूबर को मनाया जाता है नेक्स्ट सवाल कि अक्षय ऊर्जा यानी कि रिनिएबल एनर्जी पर प्रसिद्ध विशेषज्ञ तुलसी ताती का 64वें वर्ष में के आयु में निधन हो गया आपको बताना है कि इस इन्होंने किस कंपनी का संस्थापन किया था तो कंपनी है सुजलोन एनर्जी। अगला सवाल आपके सामने है। सीएम उद्यम खिलाड़ी योजना उन्नयन योजना तो खिलाड़ी योजना किस सीएम ने कहाँ पे किया है तो ये उत्तराखंड है पुष्कर सिंह धम्मी ने यहाँ पे इसको इनोग्रेट किया है अगला सवाल है कि अना, अना बार, बारनाबिक ये री हुई है प्राइम मिनिस्टर ये सर्बिया की प्राइम मिनिस्टर री हुई है एंट्रिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन तो एंट्रिम प्रेसिडेंट है एडल सुमारी वाला अगला सवाल इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि सारेक्स एक्सरसाइज 2022 नेशनल मेरी एक्सेस रिसर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज है तो ये होगा चेन्नई में नेक्स्ट सवाल है अभिजीत सेन जिनका निधन हो गया है 29 अगस्त 2022 को ये रिनाउन जाने जाते हैं किस फील्ड में इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट सवाल है कि किस दूर संचार कंपनी ने अक्टूबर 2022 में दिवाली तक 5G सेवा को शुरू करने की घोषणा की गई है तो ये घोषणा रिलायंस ने की है नेक्स्ट क्वेश्चन कि खेल मंत्रालय ने किस स्कूल में चैंपियन से मिलो पहल का आयोजन किया है कितने स्कूल में तो 26 स्कूलों में किया गया है नेक्स्ट सवाल है रुपए पर क्रेडिट कार्ड की एक श्रृंखला शुरू की गई है किस बैंक ने एन के साथ भागीदारी करके रुपए क्रेडिट रुपए जो ऑन क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया है ICICI बैंक द्वारा। राहुल शर्म, राहु शर्मा रिटायर हो चुके हैं ये क्रिकेट से रिलेटेड है अगला सवाल है कि इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी एक ब्रीफ हिस्ट्री ये किताब किसने लिखी है ये किताब लिखी है यहां पे आप देख सकते हैं पुल्ला पाड़े पुल्ला पाड़े बालाकृष्णन ओके नेक्स्ट सबसे ज्यादा जनसंख्या किस कंट्री में है थैंक यू अनिमेश अनिमेश अच्छा लड़का ठीक है स्पीड ज्यादा तो नहीं हो गया सही है ना गाइज स्पीड इज ओके ठीक है ना तुम लोग ठीक हो ना चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहा है पानी पी रहे हो अच्छा हाँ एक बात हमेशा याद रखिएगा लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम होगा तो हम दो सलूशन बताते हैं सस्ता सुंदर और टिकाऊ कोई भी प्रॉब्लम होगा ठीक है एक कि एक ग्लास पानी पीजिए बैठ के आराम से बैठिए सांस लीजिए कोई भी प्रॉब्लम मतलब कोई भी प्रॉब्लम ठीक है यमराज स्वयं आ गए तुम्हारे सामने बैठे तो भी बैठिए लीजिए पानी पी लीजिए एक ग्लास ठीक है गर्मी है तो ठंडा और नहीं है तो गर्म हाँ। और दूसरा उससे भी बेहतरीन तरीका पानी पी के सॉल्व हो ही जाता है प्रॉब्लम ज्यादातर प्रॉब्लम पता है क्यों क्योंकि सब कुछ दिमाग पे है ठीक है और दूसरा उससे भी बेहतर कि एक ग्लास पानी पी के चुपचाप से लाइट ऑफ कीजिए गर्मी है तो पंखा ऑन कीजिए मस्त एकदम अभी तो नया नया पंखा बहुत अच्छा लगता है और अगर ठंड है तो तो और बेहतर है रजाई और कम्बल सो जाइए एकदम सो जाइए एक दो घंटा तीन घंटा चार घंटा जितना घंटा के लिए सोना है सो जाइए उठते ही प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा गारंटी गारंटी

सो जाओगे उठोगे और लगेगा कि बदल गया दुनिया ही बदल गई मतलब मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि बहुत बड़ा बड़ा इशू मतलब ऐसा इशू जो किसी को ना आए है ना ऐसा भी होता है वी लूज समवन फिर हम सो जाते हैं और वो चीज़ जो है ना वो सपने के फॉर्म में आ जाता है और सपने में सपना अपने कंट्रोल में होता है ना कभी कभी कि चलो ठीक है जैसे ऐसा भी होता है कि मतलब क्लाइमेक्स में तुम उठ गए और फिर सोचे कि आप सो गए आप अप अपने दिमाग से करेंगे और सपने में क्लाइमेक्स में एंड में स्टोरी तुम्हारे फेवर में होती है तो बिल्कुल ये हो जाता है नहीं मूवी वो भी देखने से मूवी तो ठीक है देख सकते हो लेकिन मूवी देखने से अब जैसे कि अभी हम वो देख रहे थे फर्जी तो हम खुद ही को शायद कपूर समझते हैं अगर तुम लोग भी वैसे टाइप के व्यूअर हो जिसको लगता है कि जो मेन हीरो या मेन हीरोइन है वो तुम खुद हो और तुम फिर उस मूवी में रिलेट कर जाते हो तो तुम घुस जाते हो तो मूवी भी देख सकते हो लेकिन नींद जो है ना उससे आगे कुछ नहीं हाँ इसलिए एग्जाम के पहले सो जाना अच्छा से ठीक है अभी पढ़ लीजिए एग्जाम जिस दिन होगा उसके एक दिन पहले नींद पूरा कर लीजिएगा चलिए यही करते करते इंडिया जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड हो गया है ये हम सेकंड मीनिंग सॉरी ओके इंडियन इकोनॉमी विल बिकम छब्बीस ट्रिलियन इकोनॉमी दो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी गाइज ध्यान दो क्वेश्चन ओके okay, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, है कि आ, इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट जो कि बेसिक डॉक्यूमेंट देगा ट्राइबल पीपल के लिए तो ट्राइबल पीपल के लिए यहाँ पे वायनाड है ठीक है वायनाड ओके हम्म, ठीक। नेक्स्ट फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसका मैच हुआ 2023 में कहाँ पे, किस शहर में ये शहर है अस्ताना नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा एमिनेंट साइंटिस्ट 2022 में ये हैं आर के विष्णु प्रसाद अब देखोगे फिर से आ गया तुम्हारा दुख ठीक है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है देश बंधु की उपाधि किसे दी गई थी ये उन्हीं को दी गई थी जो 1923 में एम एल यानी कि मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन करते हैं इनका नाम है चित्रंजन दास अगला सवाल है नव नौजवान भारत सभा आज के नौजवान जो है वो अपना आंख को पावर बढ़ा रहे हैं धसा के अच्छा तुम लोग देखे रहोगे कोई वेब सीरीज मूवी फलाना ठिकाना एक बच्चा है क्लास में नाम नहीं लेंगे अपडेट रखता है हमको तो जब भी कोई मूवी आता है या वेब सीरीज आता है भले मेरे पास प्राइम या नेटफ्लिक्स हो वो हमको एकदम उसका लिंक भेज देता है तो अच्छी बात है इसी तरह से आप लोग अपडेट रहिए हम आपको करंट अफेयर्स में रखते हैं तो मूवी में रखो भगत सिंह इनका नाम है तो नौजवान भारत सभा 1926 में है यंग इंडिया एंड हरिजन यंग इंडिया एंड हरिजन के एडिटेड कौन थे वो न्यू इंडिया जो है ना वो एनी बेसेंट है कॉमन व्हील जो है वो एनी बेसेंट है यंग इंडिया और हरिजन तो अभी भी आया था रिसेंटली एक एग्जाम में तो ये महात्मा गांधी है हाँ ओके मूवी देखे हुए बोल रहा है एक श्रुति है तो वो कह रही है मतलब तो तुम सोचो इस बच्चे का दुख ऐसा नहीं कह रही कि मूवी देखे सालों हो गया और ये मूवी देखे तो एक महीना हो गया तीस दिन से मूवी श्रुति एग्जाम देते ही मूवी देख लेना ठीक चलो चौड़ा चौड़ी चौड़ा चौड़ी जो है वो किस कौन सा ऐसा मूवमेंट था जो चौड़ा चौड़ी के कारण खत्म हो गया तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था अगला क्वेश्चन है कि शराबबंदी यानी कि नो टैक्स कैंपेन शराबबंदी को 1922 में किसने लीड किया था तो ये लीड किया गया था वल्लभ भाई पटेल द्वारा अगला क्वेश्चन कि अगस्त ऑफर अगस्त ऑफर किस वॉइस रॉय से एसोसिएटेड है अगस्त ऑफर जो है ये किस वॉइस रॉय से एसोसिएटेड है तो ये एसोसिएटेड है लॉन्ग लॉर्ड लिन लिथगो इन्हों इन्हीं के टाइम में भेजा गया था निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक योजना को मसौदा तैयार करने का पहला भारतीय प्रयास था ठीक है कौन सा ऐसा रिपोर्ट था जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम शुरू हुआ था तो ये रिपोर्ट था नेहरू स्कीम 1928 में ठीक है हम पठान देखें। अच्छा हम सही है। हम हम सही बताएं पठान कैसे देखे ऐसा तो इलीगल काम है ऐसा हम पता है आपने एसएसबी में जाके बोल दिए थे तो हम एसएसबी मेरा था भोपाल में और हम फ्लाइट से गए थे तो मेरे से पूछा गया कि फ्लाइट में आते टाइम आप क्या की तो हम थोड़े ही हम, अपना बात बताते हैं। तो हम बोले Sir, I watched a movie. तो बोले कि तो तो कौन सा तो हम भी एकदम देशभक्ति में okay, वो मूवी वो? वो तो जो आलिया भट्ट का था जिसमें वो जासूस बन के पाकिस्तान जाते तुम पता ही होगा जो बा मैं तेरी गुड़िया टुकड़ा हूँ तेरे दिल का वो वाला जो गाना है ठीक है तो हम बोले कि सर हम तो ये मूवी देखे तो सर ने बोला कि जो मेरे आयो थे कि यार ये मूवी तो कल रिलीज़ हुई है तुमने कैसे देख लिया तो मैंने बोला कि राजी हाँ राजी ठीक है तो राजी वो तो बोले ये तो कल परसों रिलीज़ हुई है आपने कैसे देख लिया मैंने कहा सर मैंने तो डाउनलोड कर लिया अब ये तो क्राइम है भाई डाउनलोड करना देखना डाउन और हम इतने मतलब मेरा मेरे को जेल में नहीं डाला अट्ठारह साल के तो ऊपर ही थे डाल सकते थे तो हम बोले कि हाँ और बहुत कॉन्फिडेंटली और सर सोच रहे हैं कि इतनी ये बेवकूफ़ कैडेट है कि इसको ये भी नहीं पता है कि ये काम इलीगल तो हम बोले कि फिर हमको लगा कि हम कुछ गलत बोल दिए और फिर हम ये भी नहीं बोल पाए कि ओ आई एम रियली सॉरी दिस इज दिस इज इलीगल बट आई वॉज इट हम सोचे कि कुछ नहीं बोल के निकलना ज्यादा अच्छा है तो फिर ऐसा भी हुआ है मेरे साथ लेकिन उसके बाद भी रिकमेंड हो गए थे हम ठीक है तो ऑनेस्टी यू नो अच्छा व्हाट इज एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी हाँ तो हम बताते हैं एक मतलब ये सीरियस क्वेश्चन है यार यूपीएससी तो, के जीएस पेपर फोर एथिक्स में आता है आपसे भी पूछा जा सकता है दिमाग ऑनेस्टी बोलता है इंटीग्रिटी होना चाहिए प्रयाम्बल में भी लिखा है इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री ऑनेस्टी आप में होना चाहिए माल फूके ए भगवान अरे हो गया यार गलती हम वो मतलब लाइफ में कुछ कुछ गलती नहीं होता है जो हमेशा याद रहता है तो वो एक गलती था और फिर मेरे साथ

क्या था हम लोग को बोलना था ऊपर जाके कि कौन आपका फेवरेट हीरो है जैसे कमांडो टास्क जिसको कहते हैं हम लोग कमांडो चलाना होता है हम लोग को बोला गया कि आप बोलिए जाके कि कौन आपका फेवरेट हीरो है तो मेरी एक फ्रेंड जो है और हम कंसंट्रेट किस चीज पे कर रहे थे हम ये नहीं कंसंट्रेट कर रहे कि इनका क्या स्ट्रेटेजी है कौन पहले कैसे जा रहे ये सब हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे थे हम कॉन्सेंट्रेट करते कि कौन किस हीरो का नाम लेगा मी थोड़ा तो टीआरपी का शौक हमको ज़्यादा है तो एक बोली रणबीर कपूर कोई शाहरुख खान कोई सलमान खान हम सो और हम मेरा कंसंट्रेशन क्या था कि नहीं वहां जाके हम किसी अलग हीरो का नाम लेंगे तो ये मेरा कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पे था तो हम गए ऊपर और पूरा पूरा एज अ शिवर कर रहे और उसके बाद हमको ऐसे खड़े हो कि जनरली जो एक्सरसाइज में हम लोग कमांडो चलाते हैं कोई कोई प्रैक्टिस करके नहीं गए थे कोई एक्सरसाइज करके नहीं गए थे हम लोग टॉम क्रूज ठीक है ऐसा नहीं कि मेरे को टॉम क्रूज बहुत ज़्यादा पसंद है क्रिस्टियानो रोनाल्डो हीरो क्रिस्टियनो रोनाडो वरना उन्हीं का नाम लेते हैं तो ताकि सबको लगे कि ओ ये तो हॉलीवुड मूवी देखती है मतलब इंग्लिश इज सो गुड यू नो फ्लुट तो ऐसा ऐसा भी होता है हाँ तो हम सोचे की नहीं अलग आंसर देना नहीं होता है कि प्रेशर की आपको अलग आंसर देना तो अलग आंसर हम कहा जाके दिए वहां इस पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं था कि उसको किस तरह से चलना है और एक बार जाके हम रेड मार्क टच जो नहीं करना होता है वहां पर भी टच किया रेड मार्क तो आप लोग जो है ना सही चीज पे ध्यान दीजिएगा बोल रहे हैं कि आप क्या और इसके जस्ट बाद जैसे वो एक्सरसाइज खत्म हुआ जब मेरा कॉन्फिडेंस एकदम ही डामाडोल हो गया था तो हमको बोला गया कि नंबर एट आपका इंटरव्यू है और वहां से मतलब पूरा हम ड्रेन हो चुके हैं इसलिए हम कहते हैं तुम तो लोग हम क्यों बोलते हैं कि इतना फास्ट करो थक के करो हम पूरा ड्रेन हो चुके थे पूरा एकदम आउट जी टी फर्स्ट डे के बाद हम प्रैक्टिस करके नहीं गए थे हम कोई भी कोचिंग या कुछ भी हम जो भी इंडिविजुअल ऑफ चल था उस साक्षात हम पहली बार देख रहे थे

पूरा प्लेट किया हुआ साड़ी वाड़ी पहन के गई थी हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे यार तुम लोग को काम आएगा तो हम गए थे वाइट पूरा जो जी होता है उसमें और पूरा फटा हुआ था मेरा यहाँ पे हेयर लाइन फ्रैक्चर था बाल तो बाल ऐसा ऐसा करके हम गए थे मेरा कमेंट है तो सर बोला इफ़ यू वांट टाइम तो आप चेंज कर लीजिए तो हम सोचे चेंज करके भी कौन सा मेरा होलिया बदलने वाला है मेरे नो सर इट्स ओके और मेरे साथ एक प्रॉब्लम होता है एक और बात हम बताते हैं तो ऐसा होता है जब तुम लोग साथ ऐसा 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 ऐसा, ऐसा होने लगे तो ऐसा मत समझो कि खराब होने वाला रिजल्ट अच्छा भी होता है तो एक और प्रॉब्लम है आपका अपना बताते हैं नहीं नहीं मेरा मेडिकल इन है रिकमेंडेड है मेरा एक बार में मेरिट खराब हुआ था मेरिट लेकिन दूसरी बार में मेरिट भी ठीक हो गया था लेकिन उसके बाद मतलब मेरा अपना चॉइस था ठीक है चलिए तो अब हमको बोला गया कि बगल में पानी का ग्लास रखा है अगर आप चाहते तो पानी का ग्लास पी लीजिए लेकिन हम क्यों नहीं पानी का ग्लास पीते हैं क्योंकि पानी उठाते ही पता नहीं क्या होता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है मेरे साथ अभी भी अगर हम पानी पियेंगे तो कि वो गिरे ना ठीक है तो वो दैट फॉल्स आई डोंट नो तो पानी पीते हैं और पीते ही वो थोड़ा सा गिर जाता है हाँ तो वो भी हुआ है मेरे साथ तो अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे, आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो इसलिए हम बोले नो सर आई डोंट डों तो हम पानी नहीं पीते चलिए ठीक है बहुत सारी बात हो गई तो अब क्यों हम ये सब स्टार्ट किया था बात करना हाँ कि अगर रैंडम चीजें होती हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपका रिजल्ट जो है वो खराब होने वाला है इसका मतलब रिजल्ट अच्छा होने वाला है ओके नेशन वॉन्ट्स टू नो वाई आई डिट ज्वाइन बिकॉज आई वॉज है क्या होता है सबका फैमिली का चीज होता है ना कि अगर मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा मतलब डिफेंस uh, में है तो डिफेंस इज़ ऑलवेज बेटर ओब्वियसली लेकिन कोई एडमिनिस्ट्रेशन में अगर ज़्यादा है तो उनको लगता है कि अगर हमको लगता है कि डिफेंस में बॉर्डर में होने से ज़्यादा मे से अच्छा कोई और रहेगा और ज़्यादा अच्छा वो काम कर सकता है और हम एडमिनिस्ट्रेशन में रहेंगे तो बेटर काम कर सकते हैं तो वाई शुडेंट आई ज्वाइन एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कुछ भी था ठीक है चलिए ओके okay. तो निम्नलिखित में से किस एक के में नेतृत्व व सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि नहीं मिली ठीक है तो ये बरदौली सत्याग्रह था उसके बाद हम लोग के टाइम में वो भी था ना शॉर्ट सर्विस था टेन प्लस फोर मेरी अभी जैसे मैंने बताया ये सूर्भि जखमोला शी वॉज माई फ्रेंड ऑल्सो इन द सेम बैच ऑल्सो तो अब जाके वो परमानेंट हो चुका है और वो भी नाउ शी शी इज ऑल्सो नॉट श्योर कि उसका परमानेंट होगा कि नहीं ऐसा भी हो सकता है कि टेन प्लस फोर ईयर्स के बाद वो शॉर्ट सर्विस ही रहे हमारे लड़कियों के लिए तो ओटीए ही है ना बस परमानेंट सर्विस कमीशन तो है नहीं ठीक है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉमिनेटेड बाय महात्मा गांधी फॉर द प्रेसिडेंशीशिप ऑफ कांग्रेस इन 1939 अगेन सुभाष चंद्र बोस तो ये पिट्टा भी सीताराम है चलिए नेक्स्ट सवाल है कि अध्यक्षता अध्यक्ष भाषण देते समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा में के लिए रोमन लिपि की शुरुआत की वकालत की थी हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं वो सुभाष चंद्र बोस ने शुरू किया था है ना ठीक है मैं कहा से हूँ मैं हूँ मगध ओके नेक्स्ट सवाल है कि इन्वेस्टिगेशन इनटू टू एंड अब देखो थोड़ा ना एक काम करते हैं अब हमारे पास कुछ ही टाइम बाकी है तो 45 मिनट्स बाकी है बहुत सीरियसली क्वेश्चन आंसर करते हैं फाइन जाले वाला बाग नरसंहार की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कमीशन था हंटर कमीशन था ओके okay. निम्नलिखित में से किस महा किसे महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु माने थे गोपाल कृष्ण गोखले को माने, थे गांधी इवेंट पैक्ट में साइनिंग गांधी जी की जगह साइन मदन मोहन मालवीय और तेज बहादुर सप्रू ने किया था तो रोल इंपॉर्टेंट रोल इन साइनिंग तो तेज बहादुर सपरू का है नेक्स्ट किसके टेन्योर वाइस रॉय ऑफ इंडिया टेन्योरशिप के टाइम में शहीद भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव हैंग किए गए थे हाँ हंटर कमीशन हंटर कमीशन का एजुकेशन पे भी है बिल्कुल सही बात है और जाले वाला बाग मैसे कैर में भी है लॉर्ड इडविन के समय किए गए थे ठीक है जाले बाग मैसे अमृतसर में किस दिन हुआ तेरह अप्रैल 1919 को हुआ आपको पता होगा

बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड सबसे अच्छा सस्टेनेबल अभी नया अब जो बनाए गोवा में मनोहर पाड़ेकर जी के नाम पे सबसे ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन ठीक है जीवित व्यक्ति जो है इनका नाम है बरन्यास मोडेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यंगेस्ट बैट्समैन जिन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर किया है यंगेस्ट बैट्समैन जिन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर किया शुभम गिल है एथ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यह ऑर्गेनाइज किया गया है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल भोपाल में ऑर्गेनाइज किया गया है पराक्रम दिवस ये कब होता है तेईस जनवरी को होता है आप लोग का स्पीड बहुत स्लो है ठीक है तेईस जनवरी को होता है उसके बाद आप देखेंगे भारतीय नौसेना में शामिल पांचवी कलवेड़ी तो कालवेड़ी इस क्लास में वगीर हो गई है एम्फेक्स एक्सरसाइज ये आंध्र प्रदेश में हुआ ऑपरेशन अलर्ट बीएसएफ का है स्टेम यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स ये चेन्नई में हुआ चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतह अल सीसी ओके okay. नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस आपदा यानी कि नेचुरल डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर के लिए आप देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस आपदा ये उड़ीसा में हुआ विद स्टेट्स अस्का अस्का पुलिस स्टेशन नंबर वन पुलिस स्टेशन है ये उड़ीसा का है ठीक है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये प्रभा आत्रे को मिला है प्रभा आत्रे को मिला है ओके okay, नेक्स्ट ओपन इंडिया ओपन बैडमिंटन टाइटल 2023 कुनवल कुन लावुत वितिद सडन को मिला है नेक्स्ट हाउ मेनी आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार जिसका नाम रखा गया है परमवीर चक्र अवार्ड के नाम पे तो ये आइलैंड टोटल कितने हैं 21 आइलैंड्स है नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश ऑब्जर्व करता अपना फाउंडेशन दिवस हर साल हर साल ये कहाँ तो 24 जनवरी को नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ये होता है 24 जनवरी को सरस मेला सरस मेला जम्मू कश्मीर में होता है नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को 41 प्राइम मिनिस्टर क्रिस हिपकिंस कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं न्यूजीलैंड के नेक्स्ट क्वेश्चन एरो इंडिया हर बार बेंगलुरु में ही होता है ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज ये हो रहा है इंडियन नेवी द्वारा नंबर वन ओ डी आई टी ट्वेंटी आई सी सी जो टीम है ओ डी आई की टी ट्वेंटी के नहीं भारत है ठीक है आई सी सी टी ट्वेंटी क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको बनाया गया है सूर्य कुमार यादव को ठीक है बेस्ट नॉमिनी फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट इन ऑस्कर द एलिफेंट विस्पर्स ओके नेक्स्ट बद्रा अली ज़ोफे बद्रा अली ज़ोफे ये वॉज पास अवे इन इंडिया ये वाइस ये भारत में इनका डेथ हुआ गैम्बिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं गुरप्रीत कौर देव और शशि प्रभा द्विवेदी ये डीजीपी बनी है डीजीपी पंजाब में नेक्स्ट आप देखेंगे कस्टम डे दे, सीमा शुल्क 24 जनवरी को होता है भारत अपना सेवेंटी रिपब्लिक डे मनाया द्रौपदी मुर्मू जी ने 106 पद्म पुरस्कार दिया और गैलेंट्री अवार्ड जो है 412 दिए गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर टेस्ट प्लेयर तो बेन स्ट्रोक है ठीक है बेन स्ट्रोक फिजिकल जोग्राफी के कुछ क्वेश्चन हैं उसको देखते हैं हम लोग चलिए सुनामी के बारे में बताइए ओके okay. कल मुझे दो घंटे का और मैराथन करना है उसमें मेरे को और क्वेश्चन अभी मेरे दो सौ क्वेश्चन हुए हैं बस टू हंड्रेड क्वेश्चन ओनली ओके सुनामी जो है वो क्यों प्रोड्यूस होता है सुनामी जो है वो सब मेरीन अर्थ के कारण होता है भावर प्लेन भावर प्लेन एक पेडमाउट है पेडमाउट यानी कि पहाड़ी और पेने प्लेन यानी कि मैदानी पेने प्लेन जो होता है वो मैदानी क्षेत्र होता है पेडमांट यानी कि ऊबड़ खाबर नेक्स्ट और टेक्नॉ टेक्टोनिक टेक्टोनिक जो है ये कोस्टल ड्रिफ है टेक्टोनिक है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जो है ये टेक्टोनिक है फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग टेक्टोनिक है लेकिन पोलर वॉन्डरिंग का टेक्टोनिक से कोई रिलेशन नहीं टेलीग्राफ प्लेट्यू ये किसका पार्ट है टेलीग्राफ प्लेटियो टाइमिंग कल रहेगा रहे ग्यारह बजे ठीक है 11, 11। टेलीग्राफ प्लेट्यू जो है ये नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक रिच का पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स देखिए, सारा जो है यहाँ पे ये आपको पता चल रहा है कि कोल्ड करंट है मोजाम्बिक करंट जो है ये आपका वार्म करंट है नेक्स्ट

इसको आप बताइए इस क्वेश्चन को कि इक्वेटर और प्राइम प्राइमरेडियन के बीच का रेशियो क्या है द कॉन्टिनेंट थ्रू विच वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिकॉन्ट पास करता है तो ये अफ्रीका इक्वेटर भी पास करता है ब्लाइंड वैली कहा है तो काचोग्राफी में लाइम स्टो, लाइम स्टोन यानी कि सी एस थ्री से जो एक रॉक होता है उससे बहुत सारा उसमें फॉर्मेशन होता है जिसको आप काचोग्राफी कहते हैं ड्यूरिंग वर्कैनिक एडॉपशन डिपोजिशन ऑफ लावा इस तरह से होता है। इसको याद रखें, कटोड़े के शेप में ना तो, इसको बोलेंगे।, उल्टा तो बोलेंगे बड़ा सा प्लेट रहेगा तो बोलेंगे और अगर ऐसे रहेगा तो फैकोलिथ बोलेंगे फाइन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की फिशर फिशर यानी कि फटना टूटना जैसे कि अगर यहाँ पे अगर ऐसा कोई ब्लेड से काट दे काट मतलब कोई काट है क्या कभी ऐसे तो बहुत खतरनाक काम होता है कैंसर वेंसर हो जाएगा मरना तो खराब चीज़ है उससे खराब चीज़ है बीमारी ठीक है तो फिशर जो है वो हाथ का एग्जाम्पल ही नहीं देंगे प्लेट में होता है ठीक है अर्थ के अर्थ के प्लेट में फिशर होता है ये बोथ साइड में होता है और इसको हम रिवर्स फॉल्ट जब उल्टा घूमेगा जैसे मान लीजिए कि दराड़ आया जब आपस में पास आएगा तो उसको कन्वर्जिंग कहते हैं दूर जाएगा तो उसको डाइवर्जिंग कहते हैं ऊपर नीचे जाएगा तो ट्रांसफॉर्म और उल्टा जाएगा तो रिवर्स फॉल्ट कहते हैं फाइन

ये सी होगा कन्वर्जिंग प्लेट मार्जिन होगा फाइन नेक्स्ट आप देखेंगे डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर कब होता है कहाँ होता है ट्रोपोस्फेर में होता है ओके नॉट अफेक्टेड अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन तो देखिए ओशन करंट से कुछ नहीं फर्क पड़ता है ट्रोपोपॉज ट्रोपोपोजोस्फेर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में ठीक है टाइड बड़ा होगा तो स्प्रिंग टाइड छोटा होगा तो नीप टाइड बोलते हैं लेकिन अगर एल्गी के कारण होगा तो रेड टाइड बोलेंगे ठीक है वार्म ओशन कौन सा इसमें तो आप सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक ठंडा देश है लेकिन वहाँ पे ईस्टर्न साइड में बहुत सारे अच्छे अच्छे सिटी हैं क्यों बने क्योंकि वहाँ पे वार्म ओशन है ओके नेक्स्ट रेडियो एक्टिव डेटिंग रेडियो एक्टिव डेटिंग एक टेक्निक है विच वन ऑफ द विच कैन बी मेजर्ड तो रेडियो एक्टिव से आप रॉक का एज बता सकते हैं नेम ऑफ फर्स्ट इंट्रा नाक से लेने वाला दवाई कोविड वैक्सीन का दवाई ठीक है ये इनको वैक है नेक्स्ट ऑरेंज फेस्टिवल 2023 ये कहाँ पे मनाया गया ऑरेंज फेस्टिवल ये हो गया आपका नागालैंड में हिमाचल प्रदेश का राज्य दिवस ये आपका 25 जनवरी को 12 चीता और लेकर आएंगे साउथ अफ्रीका से अभी नामीबिया से ले आए हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया इनको भी कहते थे सबिर अली को ठीक है इनका निधन हो गया ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है

तो ये जो है ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेशन ये विशाखापट्टनम को मिला है सबसे ज्यादा आपने डाउनलोड किया है टिकटॉक को 2021 में ओके नरेंद्र मोदी मार्क ये किस स्टेट में है सिक्किम में है ठीक है सबसे अच्छे सीईओ का अवार्ड मिला है किशोर यदम को एन टी के उसके बाद आप देखेंगे इंग्लिश कैटेगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार ये मिला है किसको नमिता गोखले को नेक्स्ट चीफ सेक्रेटरी कौन से स्टेट के हो गए आमिर सुबानी बिहार के हो गए ओके सशस्त्र सीमा बल सशस्त्र सीमा बल एडिशनल चार्ज ये देखिए अब अब थर्सन को मिल गया ठीक है न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का बैंक है इजिप्ट भी आ गया इसमें लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन सबसे लंबी मेट्रो लाइन ये कहाँ पे बनी है ये बनी है शंघाई में नेक्स्ट चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड तो ये कौन है वी त्रिपाठी है Sixth, चौबीसवें जो चीफ हैं वो कौन है बीएस पटानिया है के स्टार एक आर्टिफिशियल के स्टार साउथ कोरिया का है ठीक है आर्टिफिशियल सन है पढ़े भारत सौ दिन का रीडिंग कैंपेन है ये किसने लॉन्च किया है पढ़े भारत सौ दिन का रीडिंग कैंपेन ये लॉन्च किया गया है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने विकेट कीपर क्विंटॉन डी कुक ये अनाउंस कर चुके हैं रिटायरमेंट टेस्ट क्रिकेट से साउथ अफ्रीका के हैं कौन बन गए हैं फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई सेकेंड विंटर ओलंपिक्स इवेंट तो ये आरिफ खान है एक लौते इंडियन थे जो चाइना में विंटर ओलंपिक्स में गया था कोचिन शिपयार्ड में फर्स्ट इलेक्ट्रिक बोट ये चला कोचिन मेट्रो रेल में ठीक है अंडर 19 एशिया कप किसने जीता तो इंडिया नहीं जीता हर बार जीता है इंडिया ही एन टी सी ए कितने टाइगर का डेथ हो गया अभी तक 126 मिसेस गैलेक्सी 2021 निकिता सोकल बनी है ठीक है प्रधानमंत्री मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन ले किया कहां पे तो ये मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी में कहाँ पे ये उत्तर प्रदेश में है. कौन बन गया है थर्टी फोर्थ इंडियन जो कि लीड करेंगे इंडिया इन टेस्ट मैच तो ये केएल राहुल हैं कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये इनॉग्रेट किया गया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा अब्दुल्ला हमदोक ने रिजाइन कर दिया है प्राइम मिनिस्टर के रूप में सूडान से हमदोक ठीक है एलिजाबेथ के नाम पे कौन सा कंट्री अपना आइलैंड का नाम रखने वाला है ऑस्ट्रेलिया लेकिन करेंसी से हटा दिया गया है कौन सा कंट्री है जियो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के काउंटर टेररिज्म कम्युनिटी का यहां पे प्रेसिडेंसी लेने वाला है तो ये इंडिया है एल स्मोक फ्री स्टेट कौन सा स्टेट बन गया है आप लोग बहुत स्लो आंसर दे रहे हैं तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ट्रैक सोलो साउथ पोल चली गई हैं अकेले तो हरदीप चंडी है ठीक है आई एच कोविड 19 आई एच यू वेरियंट यह डिटेक्ट किया गया है कौन से कंट्री में फ्रांस में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कंट्री है यूरोपियन यूनियन काउंसिल का प्रेसिडेंसी यह है आपका फ्रांस बिहार विभूति सम्मान बिहार विभूति सम्मान किसको ऑनर किया गया है तो यह ऑनर किया गया है रोहित कुमार को नेक्स्ट फर्स्ट स्टेट फर्स्ट स्टेट इंडियन स्टेट जिसने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट स्कीम को लॉन्च किया है ठीक है तो ये कौन सा है ये हो उड़ीसा नेक्स्ट बेस्ट बालकन बेस्ट बालकन एथलीट ऑफ द ईयर 2021 हजार जोकोविच बने हैं किस कंट्री के हैं तो ये कंट्री है आपका सर्बिया फर्स्ट इंडियन फर्स्ट वेमेन सीएमडी तो सी में पहली बार कोई विमेन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है ओ की ये कौन है ये है अलका मित्तल नेक्स्ट ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज कौन से स्टेट ने टॉप किया है तेलंगाना ने ओके इंडियन ओरिजिन पर्सन जिन्होंने सबसे पहले टेस्ला के लिए जिनको रिक्रूट किया गया था ये इंडियन ओरिजिन के थे अशोक इल्लू नेक्स्ट क्वेश्चन जी सेवन को होस्ट करने के लिए किसने अभी टू होस्ट द समिट 2022 में जी सेवन पे हुआ जर्मनी में हुआ राइट मोदी जी को बुलाया गया था जबकि इंडिया जी सेवन का पार्ट नहीं है फाउंडेशन स्टोन ऑफ हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकेडमी हैदराबाद का फाउंडेशन स्टोन सरबंदा सोनोवाल ने रखा है फर्स्ट वाटर टैक्सी वाटर टैक्सी ये महाराष्ट्र को मिला है चाइल्ड मैरिज फ्री गंजम डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड मैरिज फ्री किस स्टेट में है तो ये है आपका ओडिशा नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ यूएन एंटी टेररिज्म कमिटी ठीक है तो ये है टी एस तिरुमूर्ति रामनाथ गोयनका का इन फोटो जर्नलिज्म तो फोटो जर्नलिज्म के लिए जशान ए लतीफ को मिला है पहला इंडिजीनियस किट फॉर टेस्टिंग ओमिक्रॉन वेरिएंट ये ओ, ओमी श्योर है ठीक है फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन महाराजा विक्रम वीर विक्रम एयरपोर्ट ये मोदी जी ने इनोग्रेट किया है कहां पे तो त्रिपुरा में पहला म्यूजियम, ये कहां पे बना है हैदराबाद में पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड न्यूमरोलॉजी जे सी चौधरी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन है लास्ट सेट रहेगा ठीक है आराम से सोच समझ के आंसर दीजिए टाइम हम आपके लिए वेट कर रहे हैं इबोनी और महागोनी नाम का पेड़ कौन सा टाइप है चलिए देखते हैं सबसे सब पहले किसका आंसर आएगा यह है ट्रॉपिकल एवरग्रीन ठीक है नेक्स्ट जहां पे सेम सैलिटी है उसको आइसोहेलाइन कहते हैं जहां पे सेम सनशाइन है उसको आइसो हेल्स कहते हैं प्लीज अपना वर्ल्ड मैप एक बार देखिए और बताइए कि सी ऑफ ऑक्टोस। देखो रशिया न्यूज में आएगा क्वेश्चन ठीक है इज इनक्लोज बाय कुरील आइलैंड्स, नॉर्थ जापान लॉन्ग तो कौन सा है? काम चटका है कौन सा माउंटेन टर्शरी पीरियड के टाइम नहीं है तो अरावली ओल्ड माउंटेन है पीरियड के टाइम नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑक्यूपाइड बाई माइग्रेंट पॉपुलेशन बाहर से ही लोग आए हैं ऑस्ट्रेलिया क्योंकि आपको पता है वो आइलैंड मिला ही नहीं था पहले कभी दो गल्फ जो कि स्ट्रेट स्ट्रेटरूज हॉर्मूज को कनेक्ट करता है हॉर्मोज को पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान कनेक्ट करता है अलेक्जेंडेरिया एक पोर्ट है किस कंट्री में तो ये पोर्ट जो है ये इजिप्ट में नेक्स्ट मैनचेस्टर टाउन ऑफ ब्राजील विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैनचेस्टर टाउन ऑफ ब्राजील तो मैनचेस्टर टाउन जो है साउ पोलो है नेक्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप सबसे लंबा रिवर कौन सा यूरोप का वॉल्गा है अगला क्वेश्चन है इन विच सी द रिवर डॉन फ्लोज डॉन किस में जाता है सी ऑफ अजोव में जाता है गाजा स्ट्रिप गाजा स्ट्रिप कहा है ये तो बताइए आप लोग गाजा स्ट्रिप कहां पे? ये आप लोग बताइए ठीक है गाजा स्ट्रिप जो है ये मेडिटेरियन सी में है केल केनाल केल केनाल ये कनेक्ट करता है बाल्टिक सी को और नॉर्थ को वार्म एंड ड्राई विंड Warm एंड ड्राई ड्राई विंड बर्ग जो है ये साउथ अफ्रीका में ब्लो करता है पोइन एक लोकल विंड है पोइन जो है ये स्विट्जरलैंड में है Point Mistral भी है. Mistral Mistral है फ्रांस में. जो वो एक ठंडा विंड है. मोस्ट हाईली डेवलप्ड आईलैंड वाटरवेज ये मिला है कहां पे यूरोप में नेक्स्ट द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इज हाइएस्ट सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है साउथ अमेरिका में हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अमेरिका सबसे बड़ा हाइस्ट माउंटेन पीक जो है माउंट मैकले विच इज द विच इज माई टर्म मिट सन मिट सन मिट सन का मतलब होता है सन शाइनिंग इन पोलर सर्कल फॉर लॉन्ग टाइम द वॉटरफॉल विक्टोरिया ये किससे एसोसिएटेड है ये रिवर यह रिवर एसोसिएटेड है जैम्बी जैम्बीजी से ठीक है विच यूनियन टेरिटरी ये सेलेक्ट हुआ है नेशनल यूथ फेस्टिवल के लिए ये है आपका पुडुचेरी नेक्स्ट कौन सा दो टूरिस्ट एरिया है जिसको स्ट्रेटेजिक एरिया बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में गुलमर्ग और सोनमर्ग को सेवेंटी मिलियन तक का सेवेंटी मिलियन डिग्री सेल्सियस एनर्जी ये एक्सट्रैक्ट किया गया आर्टिफिशियल सन से चाइना में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ममता बियॉन्ड 2021 इसके ऑथर कौन है जयंत घोषाल है क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स भारत का है आई सी वन है ठीक है ऑप्शन नंबर एक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को देख लेते हैं ठीक है इसको भी बना ही लेते हैं चलिए इसमें थोड़ा टाइम लेके बनाते हैं अच्छा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का क्वेश्चन नहीं आया रुकिए पहले करंट अफेयर्स ही देखते हैं रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन ये हो गया आपका टाटा स्टील इनको याद रखिएगा स्वयं शर्मा स्वयं शरण ये फर्स्ट वोटर है इंडिपेंडेंट इंडिया के ठीक है तो ये हिमाचल प्रदेश के 106 साल के हैं एजू थाचन पुरस्कार केरला को केरला ने दिया है ए सेथु मध माधवन को इंडिया चंद 2022 कॉन्फ्रेंस ये हुआ है न्यू दिल्ली में नेक्स्ट सवाल है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रैपिड एक्शन तो एनी अब्राहम है यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट एट होलोंगी ईटानगर तो ये दोनों ही पोलो है केरला में साइकिलिंग टूर्नामेंट होने वाला है ठीक है इसको याद रखिएगा साउथ कमांड के चीफ बने हैं अजय कुमार सिंह बीपीसीएल वीआर कृष्ण कृष्णा गुप्ता ये चेयरमैन बने हैं ठीक है चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन उड़ीसा में है नवीन पटनायक ने अभी इनग्रेट किया है ट्रेनिंग ये यूनाइटेड स्टेट्स में है पंच तीर्थ ये बी आर अम्बेडकर के लिए है कैंसर अवेयरनेस डे सात नवंबर को मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ प्रवासीय भारतीय दिवस ये आपका डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को मिला है अच्छा ये सब मान लो ये क्वेश्चन है तो ठीक है मैराथन में तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन एग्जाम के पहले क्या इंपॉर्टेंट आपको पता है बहुत सारा क्वेश्चन बनाना टेस्ट सीरीज बनाए बिना जैसा आप लोग काम देख रहे हैं ठीक है तो करंट अफेयर्स तो आप लोग रेगुलर करते हैं तो ठीक है लेकिन जो जीके स्टैटिक पोर्शन में आपका हाथ थोड़ा अभी तंग है खासकर हिस्ट्री में जैसा हम देखें ऐसा हिस्ट्री नहीं होना चाहिए हिस्ट्री पॉलिटी में सबसे ज्यादा स्कोर आना चाहिए देखो टेस्ट बनाओ ठीक है टेस्ट बनाओ हम बता देते हैं क्या करना है आप क्या कीजिए अभी और क्वेश्चन करवाएंगे भाग्य का मत आप गूगल में आइए अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पे जाइए ठीक है और अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पर आप न्यू टैब पे अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन जाइए वेबसाइट को ओपन कीजिए जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे ना जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप ऑल कोर्सेज में जाइए अब आपने जिस भी एग्जाम की तैयारी करनी है देखो टेस्ट सबसे जरूरी है नहीं नहीं अभी और हैज क्वेश्चन क्वेश्चन और है टेस्ट जरूरी है जैसे डिफेंस पे क्लिक किए ठीक है डिफेंस में जिस भी एग्जाम की तैयारी करो सी डी एस एफ कैट फाइन तो यहाँ पे बैचेस तो है बैचेस तो है लेकिन आप ना टेस्ट पैक अपने पास एक रखिए अगर आप महापैक में हैं तो अलग से टेस्ट रखने की जरूरत नहीं है उसमें ही रहेगा लेकिन अगर आपके पास टेस्ट पैक नहीं है ना तो आप एक टेस्ट पैक रखिए अपने पास टेस्ट पैक से बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं टेस्ट जो बच्चा नहीं बना के जाएगा उसको बहुत मुश्किल एग्जाम क्वालिफाई करना ये आप बीती से हम क्या तुमको थ्री थ्री टू एस कीजिए और जैसे आप यूज करते हैं तो तीन सौ इकतीस रूपए में आपको test pack मिल जाएगा। ये टेस्ट पैक आपको डबल वैलिडिटी के लिए मिलेगा यानी कि अगर आप लेते हैं तो आपको ये टेस्ट पैक डबल वैलिडिटी के लिए मिलेगा फाइन तो वाई थ्री थ्री टू कोड है इसमें आप टेस्ट पैक जरूर 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 बनाइए जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो क्या कीजिए कि जेई एग्जाम्स महा पैक में जाइए इंजीनियरिंग महापैक में जाइए ठीक है ये तो ठीक है ये तो ठीक है एस एस में जैसे अगर आप एस एस पे क्लिक करते हैं या किसी पे भी क्लिक करते हो आप टेस्ट सीरीज पे क्लिक करते हैं ना तो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा फाइन जैसे आप एस एस के ज्यादातर बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो एस एस में आप टेस्ट सीरीज पे क्लिक कीजिए महा पैक का मतलब टेस्ट का प्राइम पैक ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है देखिए अगर आपको तीन सौ निन्यानवे रुपए कॉस्टली लग रहा है तो ये हाँ आप कोड यूज कर लीजिए फाइन आप यहाँ पे कोड यूज कर लीजिए वाई थ्री थ्री टू लेकिन हम पढ़ पढ़ना तो खैर तुम ख्याप को पता ही है कि वाई थ्री थ्री टू यूज करके आप पढ़ सकते हैं लेकिन पहले आप टेस्ट भी बनाइए टेस्ट भी जरूर बनाइए इसको पार्ट रखिए थ्री हंड्रेड एंड थर्टी वन रुपीज में आपको दो साल के लिए जितना भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल जो भी बच्चे डिप्लोमा बी टेक किए हैं टेस्ट बनाना बहुत जरूरी है टेस्ट के बिना काम नहीं होगा महापैक का टेस्ट पैक ऐसे ही ठीक है

जीरो लेवल पे पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वहाँ से हम लोग राइज करते हैं अब कल जैसा सैटरडे कल फ्राइडे था हर फ्राइडे को हम लोग टेस्ट बनाते हैं और बहुत सारे बच्चे बहुत खुश थे टेस्ट देके कि जो क्वेश्चन नहीं बनते थे वो क्वेश्चन बड़ा ईजिली उनके लिए बहुत पीस ऑफ केक हो गया तो टू एट सेवन फोर में आप ज़रूर इस इंजीनियरिंग के महा पैक में जो एस एस जेई का पैक है इसमें टेस्ट बनाइए फाइन टेस्ट बनाना बहुत जरूरी है टेस्ट नहीं बनाइएगा तो दिक्कत हो जाएगी और अगर आपको पढ़ना है तो आप वाई थ्री थ्री टू कोड यूज करके पढ़िए चलिए और क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग तब तक फाइन हाँ बोल रहा है जल्दी पढ़ाई हमको नहाने जाना है अच्छा जी। तो अब नेक्स्ट आप देखेंगे कौन सा ऐसा कंट्री है ठीक है कौन सा कंट्री है जिसने क्लिंच किया है गोल्ड एट एशियन स्क्वाश टीम ये इंडिया है फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है किसने डिक्लेयर किया किसको डिक्लेयर किया गया है प्लेयर ऑफ द मैच शहीद मुश्ताक अली में तो ये तानुष कोतियान है तानुष कोतियान है नेक्स्ट क्वेश्चन एफ आई एच प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मोहम्मद तैयब इकराम बने हैं यूनाइटेड नेशन फेडरेशन ऑफ यू एन एफ सी ट्रिपल सी कॉप ट्वेंटी सेवन भूपेंद्र यादव जी हैं रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर लिमिटेड तो यहाँ पे आप कुंदन पुर वमन देखिएगाथ इनका नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है श्याम प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन एस पी एस पी एम आर एम है तो ये एबक क्लस्टर है ओके श्याम सरन नेगी फर्स्ट एवर वोटर है इंडिपेंडेंट इंडिया के इनका निधन हो गया है ये हिमाचल प्रदेश के हैं नेक्स्ट यूपी गवर्नमेंट मथुरा वृंदावन ये कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए टू जीरो फोर वन ओके अक्टूबर में हम लोग देख लेते हैं तो एक अक्टूबर को मनाया जाता है पर्सन एल्डर पर्सन आपको पता है नेशनल पेंशन आपका फर्स्ट अक्टूबर को ठीक है ये भी होता है वेजिटेरियन दिवस भी आपका फर्स्ट अक्टूबर को होता है कॉफी डे भी आपका फर्स्ट अक्टूबर को होता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए मंथ है अक्टूबर हाँ जस्ट बिफोर एग्जाम आप एक बार टेस्ट दे दीजिए अंश मौर्य रिव्यू द क्वेश्चन आप टेस्ट दीजिए तब आपको बहुत ज्यादा चीज समझ में आएगा ऑप्शन फीलिंग वगैरह सब इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है छत्तीसवा नेशनल गेम जो है ये आपका अहमदाबाद में है ओलंपिक मेडलिस्ट है मीरा बाई चानू इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है नेशनल गेम्स में सरयू रिवर लता मंगेशकर चौक तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है लता मंगेशकर चौक के नाम पे और ओनली इंडियन जो कि टाइम्स हंड्रेड इमर्जिंग लीडर लिस्ट में है ओनली इंडियन तो ये आकाश अंबानी है देखिए मिर्गी के लिए तो, सत्रह नवंबर को यह मिर्गी दिवस मिर्गी के अवेयरनेस के लिए है पैन इंडिया कोस्ट डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल सी विजिल का अभी थर्ड एडिशन हुआ है आई पी आई इंडिया अवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्मन जर्नलिज्म सौरभ शुक्ला सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड कार्लोस सोरा ओके विच मेडल एट दो हजार बाईस पैरा शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप तो ये सिल्वर मेडल मिला है ठीक है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 ये रिपोर्ट इंडिया विल सरपास तो इंडिया विल सरपास 2023 में चाइना को सरपास कर जाएगा आप कर ही गए हैं। वेटरन एक्टर हैं कृष्णा इनका निधन हो गया है ये महेश बाबू इनके मतलब के बेट के फादर हैं, ओके। ओके ओके 200 करोड़ डिस्ट्रेस फार्मर को देगा ओडिशा पैसा देगा वैक्सीन इजेक्टिंग होप अर्जुन कुमार राम है जिन्होंने अभी वैक्सीन है कौन सा कंपनी एक ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुंच चुका है वुमेन वर्ल्ड कप इंडिया, इंडिया होस्ट करने वाला है दो हजार पच्चीस में एपी जे अब्दुल कलाम का डेथ एनिवर्सरी सत्ताईस जुलाई को होता है नेक्स्ट क्वेश्चन मॉड्यूल ये स्पेस स्टेशन है ये आपका चाइना में है आता है यार क्वेश्चन अभी इससे रिसेंटली आ रहा है क्वेश्चन उसके बाद आप देखेंगे हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एस एन सी ई ओ एन इन इंडिया ये आशीष कुमार चौहान है ब्रेन डे ब्रेन वर्ल्ड ब्रेन डे 22 जुलाई को होता है अगला है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना 2017 में लॉन्च हुआ है ठीक है तो अब हम लोगों ने कर लिया है ऑलमोस्ट हो ही गया है कुछ पचास बाकी, बाकी सही रहा ओके okay. नेक्स्ट ये क्यों? हाँ प्रधानमंत्री ऑफ कुवैत, कुवैत के प्रधानमंत्री देखे और इनका नाम है शेख अहमद नवाब अल अहमद अल साहब फाइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग चीता के लिए हमने नामबिया से लिया है आपको पता है फर्स्ट एथलीट जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता वर्ल्ड एथलीट्स में तो ये आपके नीरज चोपड़ा हैं कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को होता है छत्तीसवा एडिशन नेशनल गेम्स का गुजरात में हुआ ठीक है उसके बाद कम मेरिन जो कि डी किया गया है अभी 16 जुलाई को ये सिंधु ध्वज है नेक्स्ट फर्स्ट केस ऑफ मंकी पॉक्स केरला में मिला ठीक है अब इस क्वेश्चन पे हम एंड करते हैं इस क्वेश्चन को आप देखिए और क्वेश्चंस मैक्सिमम बनाइए इसका पीडीएफ आप ले लीजिए कुछ क्वेश्चंस और हैं कल फिर 11 बजे मैं एक मैराथन लेकर आऊँगी अगर आप सोच रहे हैं कि मैम मेरे को आपसे पढ़ना है जीके कंप्लीट करना है और बाकी हर एक एग्ज़ाम मतलब जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका आपको सिलेबस कम्प्लीट करना है तो आप क्या कीजिए आप अंडर ट्वेंटी फोर के ऐप पर आइए जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे डिफेंस में आप सी की तैयारी कर रहे हैं सी का नया बैच आ चुका है सोलह अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है तो इस बैच पर आपने क्लिक करना है कोड आपको पता है कौन सा यूज करना है वाई थ्री थ्री टू इस कोड को आप यूज कीजिए वाई तीन सौ बत्तीस वाई थ्री थ्री टू और अप्लाई कीजिए और ये वन एट थ्री नाइन रुपीज में आपको ये बैच मिल जाएगा वन एट थ्री नाइन रुपीज में आप ओ टी ए का बैच ले सकते हैं फाइन उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही आप डिफेंस पे आते हैं डिफेंस पे आके आप बाकी एफ कैट सी ए पी एफ ये सारे जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस पर आप क्लिक करके उस बैच को ले सकते हैं लेकिन आज आप क्या करें कि आप महापैक पे क्लिक कीजिए बेटर ऑप्शन है क्योंकि महापैक पे अगर आप क्लिक करते हैं सिक्स मंथ वाला लेते हैं तो सिक्स मंथ प्लस मंथ के वैलिडिटी पे आपको एक साल का ये बैच मिलेगा और कोड आपने यूज करना है वाई तीन सौ बत्तीस थ्री थ्री टू और आपको ये बाईस सौ निन्यानवे रुपए में मिल जाएगा फाइन तो ये डिफेंस के लिए है इसके अलावा आप देखेंगे जेई एग्जामिनेशन के लिए महापैक से तो इसमें भी डबल वैलिडिटी ऑफर है कोड आपको वही यूज करना है वाई थ्री थ्री टू और अगर आप सिक्स मंथ का भी लेंगे तो सिक्स मंथ प्लस सिक्स मंथ आपको एक साल का मिल जाएगा एक साल का लेंगे तो दो साल के लिए मिल जाएगा तो कॉलेज स्टूडेंट के लिए अच्छा है कि महापैक आप ले लें फॉर टू ईयर्स ठीक है सिक्स हमारा वन ईयर प्लस वन ईयर वाई थ्री थ्री टू मैक्सिम डिस्काउंट आप ले सकते हैं महापैक के बाद कुछ और लेने की जरूरत नहीं है सारे एग्जाम्स की तैयारी और टेस्ट सीरीज की तैयारी और साथ ही साथ आपको ई e बुक्स भी मिल जाएगा सो थैंक यू सो मच फॉर द सेशन ऑल द वेरी बेस्ट कल मिलते हैं ग्यारह बजे और डिफेंस uh, में जो स्टूडेंट है आज उनका पेड मैच है तो पेड में आ जाइएगा दस बजे और कल ग्यारह बजे जो है वो हम एक और जीके का सीरीज़ करने वाले हैं ठीक है ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू